हेलो स्टूडेंट्स, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जो ऑफ यू। बज चुके हैं ठीक सुबह के 8। स्वागत है आप सभी का ठीक सुबह 8 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए करते शुरुआत अपने आज के बेहतरीन सेशन की, जिसके अंदर हम एक क्लास में पूरा एक टॉपिक समझने वाले। एक टॉपिक कह लीजिए, एक यूनिट कह लीजिए, यूनिट के थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ मैं आपको इससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आज के ही सेशन में करवाने वाली हूं। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में लाइव आ सके। चलिए शुरू करते अपने आज की बेहतरीन क्लास को प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। कौन कहता है सफलता लक से मिलती है, मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपकी मेहनत में आग है, मतलब जुनून है, आग का मतलब होता है जुनून है, ठीक है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप लगकर तैयारी कर रहे हो, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी, और कोई रोक नहीं सकता। आपने एक लाइन सुनी होगी पिक्चर में, मूवी में, है ना, किसी चीज को बहुत दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए साजिशें रचने लगती है, और ये रियलिटी होती है। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ही शिद्दत से मेहनत कर रहे हो ना, तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सारी सिचुएशन आपके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आ चुका है मंजिल बैच, जिसके बारे में आपको पता चल ही चुका होगा। मंजिल बैच जिसकी फीस रखी गई है 999 रुपए, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास तो मिल ही रही है, क्लास के प्रीवियस ईयर नोट भी मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, साथ ही में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक बुक, जिसके अंदर जीके जीएस वाला पोर्शन, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारा पोर्शन कंप्यूटर के साथ साथ थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, मतलब 3-3 चीजें, लाइव क्लास भी मिल रही है, बुक भी मिल रही है, और उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है। ये पूरा का पूरा सब मिलाकर 999 रुपए में आपको दिया जाएगा। साथ ही में ऑफर केवल 26 जून तक है, इसके बाद लोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा 1299, मतलब 1299, तो ध्यान रहे 26 जून से पहले पहले ले लेना। क्लासेस भी इसकी 26 जून से स्टार्ट हो जाएंगी, पहले ले लोगे तो डे 1 से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चल शुरू करते फिर इसी के साथ अपनी आज की क्लास को। पहले मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं आपका लक्ष्य क्या है, ठीक है। आप में से बहुत लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का जो पैटर्न है, जिसमें मैथ्स के आते हैं 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, जीके सीए और करंट अफेयर के 50, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, क्लियर है। अगर गलत हुआ तो आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 0.25 की नंबर कट जाते हैं, 1 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के, गलत हुआ तो 0.25 कट जाएंगे। पूरा पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, करने के लिए आपको दिए जाते हैं 90 मिनट का समय। पेपर होगा कब, 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे, असली तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मना रहा है, नहीं, चलो तो हम जो तैयारी करेंगे अभी वो कंप्यूटर की करने वाले, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आज मैं आपको जो एक पूरा का पूरा यूनिट कवर करवाने वाली हूँ, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जिससे 2 क्वेश्चन, 2 से 3 भी मैं बोल सकती हूँ, बट ऑन एन एवरेज मैं बोलूं तो 2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में देखे गए 10 में से, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आए थे, तो 2 से 3 क्वेश्चन नेटवर्किंग चैप्टर से निकल कर आ जाते हैं। शुरू करेंगे अपने आज के चैप्टर को, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, और इसी के साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे। पहले पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे और फिर क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेटवर्किंग से आप क्या समझते हो? हम सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहते नहीं नेटवर्क बड़ा अच्छा है, अरे तेरे फोन में तो नेटवर्क बहुत अच्छे आ रहे हैं, तेरी वीडियो तो बहुत जल्दी डाउनलोड होगी, क्या नेटवर्क है, कितनी जल्दी तूने शेयर कर दी फाइल। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा उपकरण, डिवाइस, आपस में जुड़े हुए होते हैं और किसी भी प्रकार के डेटा को शेयर करते हैं, इसे ही नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने अपने मोबाइल फोन से ब्लूटूथ के जरिए
मैंने प्रिंटर को ऐड कर लिया और मैंने कोई पीडीएफ प्रिंट करवा दी, तो यहां पर नेटवर्किंग का काम हो रहा है। क्लियर? अगर मैंने अपनी डिवाइस से दूसरे डिवाइस का एक्सेस ले लिया, अपने फोन से मैं किसी और के सिस्टम को चला रही हूं, नेटवर्किंग कहते हैं। अगर मैंने माउस को अटैच कर दिया अपने सिस्टम से या कीबोर्ड को जोड़ दिया और दोनों के बीच में डेटा को साझा कर रही हूं, नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, नेटवर्किंग से क्या अभिप्राय होता है और नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। एक नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर इस प्रकार जुड़े रहते हैं, अपने रिसोर्स जैसे प्रिंटर, सीडी, हार्ड डिस्क दोनों या बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते। जब दो या दो से ज्यादा उपकरण डिवाइस आपस में जुड़कर किसी भी प्रकार के डेटा को, किसी भी प्रकार के डिवाइस को साझा करते हैं, इसे ही नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर का एक ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन या रिसोर्स शेयर कर सकता है। एक और चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम। जब कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़कर नेटवर्क बना दिया जाता है, ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है, जब कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़कर नेटवर्क बना दिया जाता है तो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तब कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं कहते बाबू मशाय, तब कंप्यूटर को बोलते हैं हम नोड। ठीक है, तो जब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसको कंप्यूटर नहीं नोड कहा जाता है। आगे आ जाओ, ये नेटवर्क किसी भी केबल, टेलीफोन लाइन, रेडियो तरंग, सैटेलाइट या इंफ्रारेड प्रकाश किरणों के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। भाई नेटवर्किंग आप दो प्रकार से बना सकते हो, या तो आपने कोई तार लगा दी, केबल का इस्तेमाल किया, या फिर आप वायरलेस नेटवर्क कर रहे हो। जैसे मैंने बताया, मैंने ब्लूटूथ ऑन किया, रेडियो फ्रिक्वेंसी से मैं कनेक्ट हो गई, तो ये वायरलेस नेटवर्किंग हो गई। और अगर मेरे घर में लैंडलाइन मतलब फोन है, मैं कॉल करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वायर के साथ नेटवर्किंग। ठीक है, कि तार लगाया तो काम चल रहा है, या इंटरनेट आपने लिया तो जब भैया आते हैं वाईफाई लगवाने के लिए तो वो तार खींच के लाके लगा देते हैं ना आपके राउटर में, तार के साथ हो रही है तो वायर वाली नेटवर्किंग होती है, बिना तार के हो रही है तो वायरलेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और चीजें देखते हैं इसके अंदर। एक नेटवर्किंग के स्ट्रक्चर में या एक नेटवर्क के ढांचे में क्या क्या चीजें आती है, नेटवर्क किस तरीके से स्टार्ट होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं और कहां पर जाकर ये खत्म होता है। तो नेटवर्किंग के अंदर या नेटवर्क के स्ट्रक्चर ढांचे के अंदर एक सेंडर होता है। सेंडर किसे कहेंगे, प्रेषक को कहेंगे, जहां से मैसेज को भेजा जा रहा है, सेंडर हो जाएगा प्रेषक जो डेटा को भेजता है। ठीक है, रिसीवर जो डेटा को ग्रहण करेगा, हिंदी में क्या कहा जाता है, रिसीवर को, प्राप्तकर्ता, डेटा को लेने वाला रिसीवर, डेटा देने वाला सेंडर, दो चीज का होना तो जरूरी है, मतलब कम से कम दो सिस्टम होने जरूरी है नेटवर्किंग बनाने के लिए, ये भी ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं। ठीक है जी, कम से कम दो सिस्टम का होना जरूरी है नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कम से कम दो सिस्टम का होना जरूरी है नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए, एक सेंडर होगा डेटा भेजने वाला और एक रिसीवर होगा डेटा को प्राप्त करने वाला। आगे, मैसेज होना चाहिए, भाई क्या चीज शेयर करोगे, कुछ तो होना चाहिए तभी तो नेटवर्किंग होगी। अगर मैं अपने मोबाइल फोन से कोई भी, सपोज मैंने कोई गाना डाउनलोड कर लिया, मैंने कोई प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लिया, तो मैं कुछ ना कुछ डेटा तो शेयर कर रही हूं। मैंने अपने मोबाइल फोन से स्पीकर का ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे गाना बजा रही हूँ, बज रहा है गाना, डेटा शेयर हो रहा है ना, सेंडर, रिसीवर और कुछ मैसेज भी तो होना चाहिए जो शेयर हो रहा हो। ट्रांसमिशन मोड होना चाहिए, ये एक फिजिकल पाथ होता है जिसके माध्यम से डेटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है। ट्रांसमिशन मीडियम किस तरीके से भेज रहे हो, वायर के साथ, तार के साथ कनेक्शन हो रहा है या बिना तार के साथ कनेक्शन। लास्ट आती है प्रोटोकॉल, ये नियम का एक ऐसा समूह होता है जो डेटा के आदान प्रदान को संचालित कर सकता है। अब प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी के पहुंचते के साथ ही कोई भी एक्स वाई जेड ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और वो मिलने चले गए, है ना, नॉर्मल ऐसी खबरें आपने सुनी होगी।
ऐसे ही इंटरनेट में एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंटरनेट पर तो सभी की जानकारी है, आपकी जानकारी, मेरी जानकारी, हम सभी का डेटा इंटरनेट पर स्टोर है। पर क्या मैं देख सकती हूँ कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है? नहीं ना। क्या आप देख सकते हो कि एक्स वाई जेड किसी भी बंदे के अकाउंट में कितना पैसा है? नहीं, क्योंकि इसी के लिए प्रोटोकॉल बनाई गई थी। आप केवल उतने ही दायरे में काम कर सकते हैं जितने का आपके पास अधिकार है, आपके पास पासवर्ड है, आईडी है, केवल आप अपना ही अकाउंट चेक कर सकते हैं और किसी का नहीं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल आपको क्या करती है, आपको एक नियम देती है, एक रूल मतलब क्रिएट करती है, जिससे आप केवल उतना ही डेटा एक्सेस कर पाओगे जितना की आपका अधिकार। तो ये केवल केवल 5 पिलर होते हैं किसके, नेटवर्क के स्ट्रक्चर के। नेटवर्क स्ट्रक्चर में टोटल कितने पिलर होते हैं? तो नेटवर्क स्ट्रक्चर में 5 पिलर होते हैं। सेंडर, मैसेज भेजने वाला, रिसीवर, प्राप्त करने वाला, मैसेज होना जरूरी है, किस तरीके से जा रहा है, ट्रांसमिशन मोड होना जरूरी है, और चौथा प्रोटोकॉल है ना, दूसरे के घर में नहीं जाना, अपने ही घर में जाना, मतलब केवल आपको अपना ही उसी डाटा को यूज करना है जिसका आप अधिकार है। ओके, तो ये हो जाता है पूरा का पूरा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि भाई नेटवर्किंग का या नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितने प्रकार का होता है, नेटवर्क का जो ढांचा होता है वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है, जो ढांचा है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, तो 2 प्रकार से नेटवर्क बनते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर, एक होता है क्लाइंट सर्वर। आ जाओ इसको जान लेते हैं, पीयर टू पीयर कौन सा नेटवर्क होता है और क्लाइंट सर्वर कौन सा नेटवर्क होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क की अगर मैं बात करती हूं, पीयर टू पीयर नेटवर्क किसे कहा जाता है, जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हों और सारे कंप्यूटर इंडिपेंडेंट है किसी भी सिस्टम को अपना डेटा सेंड करने के लिए। आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बीच में बना दिया एक नेटवर्किंग डिवाइस, स्विच। अभी मैं स्विच के बारे में भी आपको बता दूंगी, तो बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है, आ जाओ, मैंने यहां पर भी कंप्यूटर को स्विच से जोड़ा, कंप्यूटर को स्विच से जोड़ दिया, कंप्यूटर को स्विच से जोड़ दिया, सारे कंप्यूटर स्विच से जुड़ गए। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि मैडम स्विच क्या होता है। स्विच होता है, आपने प्लग देखा है घर में जिसमें आप टीवी लगाते हो, नहीं कहते उसे स्विच दबा दो, ऑन कर दो, ऑफ कर दो। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो एक हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हो। स्विच एक कनेक्टर होता है, मतलब एक बॉक्स मान लो, डिब्बा मान लो, जिसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिसके जरिए आप बहुत सारे कंप्यूटर को, सारे कंप्यूटर के तार इसमें ले जाके लगा दो, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो स्विच एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर के तार जोड़ दिए जाते हैं और कंप्यूटर को आपस में अटैच कर देते हैं। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। काहे भाई, स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्विच के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, स्विच के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है। तो ये तो रही बात नेटवर्किंग डिवाइस की। अब आ जाओ, तो मैंने आपसे बोला कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, सारे कंप्यूटर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब सारे कंप्यूटर स्वतंत्र है। अगर एक कंप्यूटर अपना डेटा डी वाले को भेजना चाहता है तो ए अपना डेटा डायरेक्ट डी को भेज देगा, इसको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ना परमिशन की जरूरत पड़ेगी। कंपनी में नहीं होता, कंपनी में या लाइब्रेरी में मान लो बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए। अब रामू को श्यामू को कोई डेटा भेजना है, ठीक है, अब रामू श्यामू को डेटा भेज सकता है डायरेक्टली, इसको किसी भी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डेटा जाएगा, इंडिपेंडेंट होता है। बी वाले कंप्यूटर को कोई भी डेटा ई को भेजना है तो विदाउट एनी परमिशन इट कैन कनेक्टली इंडिपेंडेंटली, ये स्वतंत्र है। पीयर टू पीयर का मतलब ही होता है जब सिस्टम अपना डेटा स्वतंत्र रूप से किसी भी सिस्टम को भेज देते हैं बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी रुकावट के, तो उसे कहा जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लियर है? अच्छा,
इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा और इसको खोल के या बढ़ा कर पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं हम थ्योरेटिकल पोर्शन में। इसमें कोई भी नोड नेटवर्क पर किसी भी प्रक्रिया को शुरू या समाप्त किया जा सकता है, ये फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। पीयर नोड लोकल कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसिंग स्पीड, नेटवर्क की बैंडविड्थ, स्टोरेज क्षमता से भिन्न हो सकती है। इस बैंडविड्थ और स्टोरेज क्षमता, इस व्यवस्था में कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन अधिक कंप्यूटर के लिए उपयोगी नहीं होते। मैंने जैसे बोला आपको, लाइब्रेरी हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, तो छोटी जगह के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी जगह जहां पर कंप्यूटर आस पास हो सके, दूर ना हो, या तो एक बिल्डिंग हो, या तो कोई ऑफिस हो, या तो लाइब्रेरी हो, या तो लैब हो, सिस्टम आस पास ही होने चाहिए। ठीक है जी, आगे आ जाओ। इसमें सामान्यतः 10 कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 कंप्यूटर इसमें जोड़े जा सकते हैं। फाइल या प्रिंट सर्वर भी बनाने की आवश्यकता नहीं होती। पीयर टू पीयर का मुख्य कार्य फाइल को शेयर करना होता है, ये मेनली फाइल को शेयर करते हैं, छोटी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सामान्यतः 10 कंप्यूटर तक इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और कम दूरी के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो ये हो जाता है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसके बाद हमने बात करी थी, दूसरा आर्किटेक्चर होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके बाद हमने बात की थी, दूसरा आर्किटेक्चर होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, आज अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे काम करेगा, अब यहां पर इसको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लाइंट सर्वर के अंदर इसको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। क्लाइंट सर्वर के अंदर यहां पर इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका इस्तेमाल दूरी के लिए किया जाता है, अगर लॉन्ग, अगर आपको मतलब ज्यादा दूरी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोई भी नेटवर्क क्रिएट करना है तो इस्तेमाल किया जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आप लोग बैठे हो दिल्ली में, सपोज दिल्ली में हो आप लोग, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, आप लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, ठीक है, ये आपका सिस्टम। अब आप सभी को अपने सिस्टम से यहां पर बना देते हम इंटरनेट, और यहां पर बना देते हम सर्वर, सर्वर सेवा देने वाला, क्लाइंट सेवा लेने वाला। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेटा एक्सेस करना है यूएसए का, आपको जानना है कोई ऐसी जानकारी जो यूएसए से रिलेटेड है, जो किसी से भी, चाइना से संबंधित है, इंडोनेशिया से संबंधित है, आपका भूटान से संबंधित है, म्यांमार से संबंधित है। तो मतलब अगर आप घर बैठे कनेक्ट होना चाहते हो किसी एक ऐसे सर्वर से जो ऑल ओवर द इंडिया काम कर रहा है, आपके किसी एक कंपनी या बिल्डिंग के अंदर तो है नहीं, तब यहां पर इस्तेमाल किया जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। हमारे सिस्टम क्या बन जाते हैं, हमारे सिस्टम बन जाते हैं क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है सेवा लेने वाला, जो रिक्वेस्ट करता है। और जिस भी आप वेबसाइट को खोलना चाह रहे हो, सपोज मैं फेसबुक ले लेती हूं, ये सारे के सारे अपना फेसबुक अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो ये कहां पर जाएंगे, आईएसपी, जाहिर सी बात है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, फिर वो जाएगा सर्वर के पास, फेसबुक वाले। तो यहां पर फेसबुक वाले सर्वर आपका मांगेंगे आईडी और पासवर्ड। ठीक है, एक मिनट, चलो, यहां पर क्या मांगा जाएगा, आपका आईडी मांगा जाएगा और आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, तब जाकर आपको एक्सेस दिया जाता है किसी भी काम को चलाने के। ठीक है, तो अगर बहुत दूर तक का काम करना है, लॉन्ग डिस्टेंस का काम है, तो क्लाइंट सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइंट हो गए हम लोग, जो रिक्वेस्ट देते, मतलब रिक्वेस्ट करने वाले, सेवा लेने वाले। सर्वर होते हैं सेवा देने वाले, ठीक है, सेवा देने वाले। आपने सुना होगा कई बार कि सर्वर डाउन हो गया, नहीं, जब नई नई आपकी कोई भी भर्ती आती है, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया, तो होता है ना सर्वर डाउन चल रहा है लास्ट तारीख को। सर्वर डाउन का मतलब क्या होता है, जब ज्यादा ट्रैफिक एक साथ एक ही वेब पेज को इस्तेमाल करता है
तो भाई उसके पास इतना तो मेन फ्रेम है नहीं, इतनी तो सर्विस नहीं है उसके पास, लिमिटेड ही है। एक साथ इतना सारा ट्रैफिक देखकर आपका सर्वर डाउन, आपका क्या वो सिस्टम जिसको यूज कर रहे हो सर्वर डाउन हो जाता है या पेज मेंटेनेंस में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी तो क्वेश्चन भी होंगे लास्ट में, बस चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते चलना कि आज अगर मैं पूरी क्लास देख रहा हूं या देख रही हूं तो मेरा नेटवर्किंग बड़े अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इस मॉडल में डेटा शक्तिशाली पावरफुल कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, जिसे मैंने सर्वर का नाम दिया हुआ। सर्वर पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है, आगे आ जाओ, जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से भी हम जानते हैं। इन कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। सामान्यतः इन्हें एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जो कर्मचारी हैं वे सामान्य मशीन पर काम करते हैं, जिन्हें क्लाइंट कहते हैं। सेवा लेने वाला क्लाइंट, सेवा देने वाला सर्वर, और ये दूर रखे डेटा को अपने क्लाइंट पर एक्सेस देते हैं, जैसे बैंक में काम करते कर्मचारी। ठीक है, बैंकिंग का भी आप सिस्टम ले सकते हो कि भाई आपने जो बैंक में अकाउंट खुलवाया था, आपका जो होम ब्रांच है, सपोज आपने अकाउंट खुलवाया गाजियाबाद में, ठीक है, और आप चले गए घूमते 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 हिमाचल चले गया। हिमाचल प्रदेश में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, एटीएम से पैसा निकाला है कुछ कर, तो आपका वो डेटा आ जाता है ना होम ब्रांच में। भाई सपोज आपके पास 10,000 रुपए थे, आप हिमाचल गए घूमने के लिए, 2,000 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो जब आप गाजियाबाद आओगे तो क्या आपके अकाउंट में 10,000 ही मिलेंगे? नहीं ना। या आपने हिमाचल में जाकर किसी को मैसेज किया तो क्या गाजियाबाद आओगे, मैसेज अपने आप गायब हो जाएगा? नहीं ना। तो ये सारा डेटा आपका स्टोर होता है, इनफैक्ट वो डेटा भी स्टोर होता है जो आप डिलीट कर देते हैं, तो इसलिए ऐसा कभी कुछ गलत ना करें कि पकड़े जाए बाद में। तो डेटा सारा स्टोर होता है, वो सारा डेटा, तभी तो कहते हैं इंटरनेट पर वो फोटो भी आपकी मिल जाएंगी जो आपने पोस्ट करके डिलीट करी, वो मैसेज भी मिल जाते हैं जो आपने पोस्ट कर या किसी को सेंड करके डिलीट की। ठीक है, तो सारा डेटा कहां पर स्टोर होता है? सर्वर पे। और सर्वर सर्वदाता, जहां जहां आपका, आप जिस भी बैंक में जाकर अपने अकाउंट की डिटेल निकालेंगे, आपकी डिटेल सर्वर में चेंज हो चुकी है, पैसे निकाल लिए, 8,000 बचे हैं, हर जगह यही दिखाएगा। बस इसे ही कहा जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ऐसी व्यवस्था को क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है। ये रहा क्लाइंट, पहले इंटरनेट से जुड़ा और इंटरनेट ने इसको सर्वर से जोड़ा। ठीक है, समझ में आया? क्लाइंट सर्वर में एक क्लाइंट होगा जो सेवा ले रहा है, एक सर्वर होगा जो सेवा दे रहा है। दोनों के बीच में जो काम होगा वो सिक्योरिटी के साथ होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये स्वतंत्र नहीं होते, निर्भर होते हैं सर्वर पे। ठीक है, अगर हमें अपना फेसबुक अकाउंट भी खोलना है तो हम अपने फेसबुक के सर्वर पर वो है, निर्भर है, जब तक हम आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे ये नहीं खोलने वाला। ठीक है, अगर आपको SBI का पासवर्ड नहीं याद है तो SBI का तो पासवर्ड हमेशा याद रखना, ठीक है, वो 50 OTP दे देता है, खोलता नहीं है, वो लगता है उसे कोई और ही। मतलब आप इसमें डिपेंड होते हो सर्वर पे, आप अपना डेटा भी नहीं खोल पाओगे अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता। क्लाइंट सर्वर ये हो गया, आपको पीयर टू पीयर मैंने बता ही दिया था। दोनों में मेजर डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में मेजर अंतर क्या होता है, दोनों में जो मेन अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है? सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर हैज द कंट्रोल एबिलिटी व्हाइल क्लाइंट डोंट। सर्वर के पास कंट्रोल होता है, नियंत्रण, ठीक है, सर्वर के पास होता है नियंत्रण। बिना सर्वर के आप किसी भी काम को क्लाइंट सर्वर मॉडल में नहीं कर पाएंगे। पीयर टू पीयर क्या होगा? ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल एबिलिटी, सारे कंप्यूटर स्वतंत्र रूप से क्या है, फ्री है। ठीक है, सारे कंप्यूटर स्वतंत्र रूप से फ्री है, जिसको चाहे डेटा दे सकते हैं, इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं। क्लाइंट सर्वर हायर केबलिंग कॉस्ट, केबल की कॉस्ट ज्यादा आती है, भाई लॉन्ग डिस्टेंस आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, ये चीपर केबल कॉस्ट होता है, क्योंकि पीयर टू पीयर में कम दूरी के बीच में कनेक्शन बन रहा है, एक कॉलेज कैंपस है, एक लाइब्रेरी है, तो कम केबल मतलब, तो केबल कॉस्ट कम आएगी। इट इज यूज इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर को छोटे और बड़े दोनों प्रकार के नेटवर्क में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पीयर टू पीयर को स्मॉल नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां 10 से कम कंप्यूटर कनेक्ट, तो याद रखना ये 10 कंप्यूटर। ठीक है, आगे आ जाओ,
इजी टू मैनेज होता है क्योंकि सारा डेटा सर्वर के पास है। भाई जब एक के पास शक्ति होती है तो वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, सारा डेटा उसके पास है, उसी की जिम्मेदारी है। यहाँ पर हार्ड टू मैनेज होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्वामी नहीं, सब अपने आप में ही स्वामी। कोई कंपनी है जिसमें पांच लोग हैं, पांच ही अपने आप में क्या है, अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, पांचों के पास नियंत्रण है, तो वहां पर चीजें भटकने का ज्यादा खतरा होता है। अगर एक ही स्वामी है, ऑनर है, एक ही है जिसका कहना माना जा रहा है, जिसके पास सारी अथॉरिटी है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वहां पर चीजें सुरक्षित रहती है। आगे आ जाओ, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑनली इन सर्वर बाय द क्लाइंट शेयर द सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सर्वर के पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है और क्लाइंट उसी के जरिए सर्वर से डेटा उठा पाता है। पीयर टू पीयर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू एवरी कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर के पास नियंत्रण है, सारे कंप्यूटर स्वतंत्र रूप से खुले हुए हैं, तो इनमें सबके पास ही सॉफ्टवेयर। आगे आ जाओ, वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज सर्वर। क्लाइंट सर्वर में एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। पीयर टू पीयर में कोई सर्वर की जरूरत नहीं है ना, ये तो हम काफी टाइम से पढ़ेंगे। ये दो स्ट्रक्चर समझ में आए आपको या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों चीजें समझ में आई? तो अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में दो प्रकार के आर्किटेक्चर होते हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर में सारे कंप्यूटर इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं, किसी बिचौली की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्लाइंट सर्वर में आपको सर्वर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। बस आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिर आते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के प्रकार, किसी को पता है तो बताओ, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं भाई नेटवर्क के? तो मेनली नेटवर्क को तीन हिस्से में बांटा जाता है, एक होता है लैन, एक होता है मैन और एक होता है वेब। ठीक है, तो वैसे तो नेटवर्क को केवल तीन हिस्से में बांटा जाता है। लैन की फुल फॉर्म हो जाती है लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से आपको पता चलेगा, ठीक है, बाकी हम अंदर भी लिखेंगे। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अब थोड़ा सा इसके अंदर जान लेते, अब ये नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, अगर कम दूरी में नेटवर्क बनाना है, ठीक है, अगर कम दूरी स्मॉल नेटवर्क क्रिएट करना है तो लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, लोकल एरिया नेटवर्क में जो स्टैंडर्ड दूरी होती है वो 2.5 किलोमीटर होती है, वैसे तो 0 से 10 किलोमीटर तक भी नेटवर्क बन जाता है, पर जो इसकी मानक दूरी होती है वो 2.5 किलोमीटर तक ही नेटवर्क को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क में ईथर नेट का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क को बनाने के लिए। ईथर नेट का मतलब होता है वायर के सहारे, विद द हेल्प ऑफ वायर, विद द हेल्प ऑफ वायर, तारों के सहारे, तारों से अगर नेटवर्क बना रहे हो तो ईथर नेट कहलाएगा। ईथर नेट लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला, सिटी टू सिटी कनेक्टर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। 10 से 50 किलोमीटर तक की दूरी में कनेक्ट किया गया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड पूरे विश्व को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क, ठीक है, और इसकी कोई भी सीमा नहीं होती, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आप कहीं से कहीं तक का भी कनेक्शन कर सकते हैं, इसी को इंटरनेट कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये मेजरली तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय जगह पर पाए जाने वाले नेटवर्क, किसी बिल्डिंग में, कंपनी में, लाइब्रेरी में कोई नेटवर्क बनाना है तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली नेटवर्क। अगर कोई स्कूल है, सपोज कोई स्कूल है, मैंने माना लक्ष्मी नगर में है, और हमें इंदिरा नगर में भी सेम स्कूल की ब्रांच खोलनी है, हमें और भी जगह, ठीक है, प्रेम नगर में भी सेम स्कूल की ब्रांच खोलनी है, तो आप अलग अलग जगह से कनेक्शन पा रहे हो, इसे कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या एक राज्य के अंदर अलग जिलों से जो नेटवर्क बनाए जाते हैं उसे भी हम इसी के अंदर रखते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। वाइड एरिया नेटवर्क ये इंटरनेट ही होता है, पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क। आप भारत में रह के व्हाट्सएप के इस्तेमाल से या किसी भी आपकी कोई भी सोशल मीडिया से इस्तेमाल से आप मतलब कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो अमेरिका में बैठे हुए इंसान, चाइना में बैठे हुए इंसान को। तो ये जो कनेक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में आप कनेक्ट कर रहे हो उसको कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका PAN, वो तो हो गया आपका मेजर तीन नेटवर्क। इसके बाद आते हैं अदर में PAN और CAN। PAN मतलब क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क और CAN होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। CAN मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। आ जाओ जानते हैं इसके बारे में भी और क्या क्या चीजें होती। पर्सनल एरिया नेटवर्क, अगर आप 10 मीटर तक की दूरी में नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं तो PAN इज द राइट चॉइस। कोई ऐसा नेटवर्क जो कम दूरी के लिए बनाना है, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है, ठीक है। अगर आपको कम दूरी का नेटवर्क बनाना है, हॉटस्पॉट इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। कम दूरी के लिए नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क का। क्लियर है? आगे कैन का इस्तेमाल होगा जब भी बात होगी कैंपस में कनेक्शन बनाने के लिए या कैंपस में नेटवर्क बनाने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। यह NCERT का पॉइंट है, इसलिए एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो जब बात होगी कैंपस में कनेक्शन की तभी आएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, अदरवाइज इसका नाम कहीं नहीं आता। क्लियर है? कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब एक कैंपस है, उसकी कैंटीन में भी, उसकी कैंटीन की जो डिटेल है, स्क्रीन है, आज कितने बच्चों ने पेटीज खाई, आज कितने बच्चों ने चौमिन खा ली, आज कितने बच्चे 10 से 12 बजे कैंटीन में बैठे हुए थे, उसके सिस्टम में रिकॉर्ड होगा ना, बिलिंग करवाओगे तो। कैंटीन का, लाइब्रेरी का, लैब का और आपके प्रिंसिपल या HOD का सारा नेटवर्क आपस में जोड़ रखा है, इसे कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। आपका HOD बैठ के देख सकता है 10 से 12 कौन कौन कैंटीन में था, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। या आपने ऐसा भी देखा होगा कॉलेज के अंदर कैमरे लगे हुए होते हैं, एंट्री पे आपका जहां पे पार्किंग होती है उन सभी की फुटेज आपको एक ही स्क्रीन पर दिखा दी जाती है, तो ये भी कैंपस एरिया नेटवर्क का ही पार्ट होता है। क्लियर है? तो ये थे आपके कुछ नेटवर्क के प्रकार। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छे से आप समझ चुके हुए थे, एक बार और थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क छोटे नेटवर्क होते हैं, कंप्यूटर और हाथों के डिवाइस के माध्यम, मतलब छोटे जो डिवाइस होते हैं उनके बीच में बनाया गया नेटवर्क, जिसकी अधिकतम सीमा 10 मीटर होती है। तो 10 मीटर तक का कनेक्शन बनाना है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। PAN का इस्तेमाल कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि फाइल, ईमेल आदि को शेयर किया जा सके। आपने बीच में सुना होगा एक शेयर इट था, हालांकि जिसको बैन कर दिया गया, ठीक है। ब्लूटूथ से आप फाइल को एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब छोटा कनेक्शन जिसके जरिए फाइल को एक्सचेंज किया जा सके कम दूरी पर, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। फिर आते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा सा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, जिसमें कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपनी जानकारी, साधन, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है डेटा को शेयर करना या डिवाइस को शेयर करना। इसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत कम होता है, मतलब कम दूरी के लिए इस्तेमाल किए गए नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। जैसे एक रेजिडेंस, हम अपने घरों में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी,
कैंपस या ऑफिस बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। मानक दूरी पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना 2.5 किलोमीटर। क्लियर है? बढ़िया चलेगा, चकाचक चले। अच्छा, केवल कैंपस अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में तो मजबूरी है कैन करके आओगे, कैंपस एरिया नेटवर्क करके आना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के आगे। मेट्रो सिटी से याद ही रखोगे, सिटी टू सिटी, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाले नेटवर्क। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं जो बड़े शहर जितने क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करते। मैन शब्द को उस जगह प्रयोग में लाया जाता है जब किसी शहर के लैन को एक बड़े नेटवर्क में बदल दिया जाए। जब लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है उसी को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क कहा जाता है जिसकी दूरी है 10 से 50 किलोमीटर तक की दूरी को कनेक्शन देने वाला मेट्रोपॉलिटन। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, एक वाइड एरिया नेटवर्क एक प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया, जहां पर भी बात आ जाएगी बहुत बड़े एरिया को कनेक्ट करने वाला वाइड एरिया नेटवर्क होगा। हमेशा जुड़ी हुई कंप्यूटर की रिसोर्सेज को शेयर करता है, सुविधा प्रदान करता है। इसका विस्तार क्षेत्र पूरा देश या पूरी दुनिया हो सकती है। इंग्लैंड में मैच हो रहा है, घर पे बैठे आप देख रहे हो टीवी में, नहीं, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है पाकिस्तान में और घर बैठ के देख रहे हो। इंग्लैंड का मैच हो रहा है पाकिस्तान से, आप घर बैठ के देख रहे हो। मतलब वो चीज जो हमारे देश में नहीं, बाहर हो रही है, पर फिर भी हम उसका लाइव टेलीकास्ट देख लेते हैं या फिर उसका रिकॉर्डेड देख लेते हैं। जो भी है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देश दुनिया की देख पा रहे हो वो आपका वैन के अंदर आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो पहला हमने यहाँ पे पढ़ा पर्सनल एरिया नेटवर्क, चीजों को कॉपी में नहीं लिखना, केवल माइंड में उतारना, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से आपने प्रिंटर को आपस में कनेक्ट कर लिया, प्रिंटर को जोड़ लिया। आपने हेडफोन, हेडफोन लगाते हैं ना आप, ब्लूटूथ के जरिए जोड़ सकते हो अपने सिस्टम से। कीबोर्ड जो वायरलेस होते हैं ब्लूटूथ के जरिए जुड़ जाते हैं। लैपटॉप ब्लूटूथ के जरिए आप अपने फोन से जोड़ सकते हो, नहीं, लैपटॉप से आप अपना फोन ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हो। जब पहले यूएसबी केबल नहीं होती थी, जब पहले ऐसे चार्जर आते थे, ध्यान है आपको, ऐसे चार्जर इसी में घुसे रहते थे, तब कैसे आप लगाते थे केबल, तब डेटा थोड़ा ट्रांसफर होता था ऐसे। तब अगर मुझे अपने सिस्टम में अपने फोन का डेटा डालना है तो मैं ब्लूटूथ ऑन करती थी, सिस्टम का भी और फोन का। अब आने लग गए यूएसबी केबल, अब आप आराम से इसको अलग कर दो और इस केबल से इसको जोड़ दो, ठीक है। यूएसबी का श्रेय किसे जाता है, किसने बनाया था यूएसबी? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, जिसने जिंदगी कर दी आसान। यूएसबी केबल का श्रेय जाता है अजय भट्ट जी को, जो भारतीय मूल रूप के, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। आ जाओ बैक टू द क्वेश्चन। मोबाइल से मोबाइल को जोड़ना पीडीए, मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट से अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ये सब आपका पैन में आएगा, ठीक है। ये वायरलेस पैन होता है, मतलब वायरलेस है बिना तार के, ये वायर पैन है। जब आप बेस स्टेशन से किसी डिस्क से एंटीना से अपने लैपटॉप को जोड़ रहे हो, एक तार आ रही है जिससे लैपटॉप में अटैच कर दिया, डेस्कटॉप को जोड़ा गया, प्रिंटर को एक तार से जोड़ दिया, वायर लगा दी प्रिंटर में, डेस्कटॉप को तार से जोड़ा जा रहा है लैपटॉप। अगर आप तार का इस्तेमाल कर रहे हो तो वायर वाला होगा, बिना तार का है तो वायरलेस हो जाएगा। अच्छा, ब्लूटूथ आ गया है तो ये भी ध्यान रखना, ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लूटूथ के आविष्कार थे जाप हार्डसेन, ध्यान रखना नाम, जाप हार्डसेन नाम था, ठीक है। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे बताओ? ब्लूटूथ पे गाने सुनते थे, जपते रहते थे कुछ ना कुछ, जाप हार्डसेन नाम था इनका जिन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। ब्लूटूथ रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके आगे काम करती है। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कनेक्ट कर दिया आपने बहुत सारे सिस्टम को स्विच से, स्विच अभी मैंने पीछे पढ़ा था बहुत अच्छे से, है ना।
लैपटॉप को जोड़ दिया केबल से, कंप्यूटर को जोड़ दिया, दूसरा कंप्यूटर जोड़ दिया, लैपटॉप प्रिंटर राउटर सारी चीजें स्विच में लगा दी। अब ये राउटर का काम क्या होगा, ये इंटरनेट इसे भी देगा, इसे भी देगा, इसे भी देगा, इसे भी देगा। ये वाला लैपटॉप भी अपनी कमांड का इस्तेमाल करके प्रिंटर से प्रिंट निकलवा सकता है, ये वाला कंप्यूटर भी प्रिंट निकलवा सकता है, ये वाला मतलब जब छोटी जगह, इन शॉर्ट बात इतनी सी है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, घरों में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, 2.5 किलोमीटर के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, वायर तार के साथ लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर एक ही प्रिंटर से जोड़ने हैं लोकल एरिया नेटवर्क, तो क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जब लोकल एरिया नेटवर्क जोड़ जोड़ के आप बड़ा नेटवर्क बना देते हो, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, आपने इन सभी को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जोड़ दिया, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो दो या दो से ज्यादा शहर आपस में जुड़े हुए हैं, क्या कहलाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क, या जिसे वैन कहा जाता है। वैन का काम क्या होता है, देश तो देश विदेश भी, जब देश दुनिया या देश विदेश, जब आप पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। पूरे विश्व को आपस में जोड़ने वाला वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब इन तीनों के बीच में मेन डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नजर इस पे डाल लेते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क 10 मीटर तक का रेडियस कवर कर पाता है, लोकल एरिया नेटवर्क वैसे तो 10 किलोमीटर तक का कर लेगा, पर स्टैंडर्ड दूरी इसकी 2.5 किलोमीटर तक की होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 100 किलोमीटर तक का रेडियस कवर कर लेता है, स्टैंडर्ड दूरी 50 किलोमीटर तक की होती है, मतलब स्पीड के साथ अगर देखो। वैन पूरी देश को, पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे ग्लोब को, मतलब पूरे विश्व को आपस में जोड़कर रखता है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे एरर रेट, पर्सनल एरिया नेटवर्क में कोई गलती नहीं होती, कोई एरर नहीं होती, सब बढ़िया चलेगा, ठीक है, आप ब्लूटूथ से जो फाइल भेजोगे वही चलेगी। लोकल एरिया नेटवर्क में भी कोई गलती नहीं होती, छोटा सिस्टम है, छोटा कनेक्शन है, आराम से डेटा चला जाएगा विदाउट एनी एरर, त्रुटि के साथ, बिना त्रुटि के। मेट्रोपॉलिटन, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ज्यादा रिस्क होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कनेक्ट हो गए, आपका डेटा हेर फेर होने में भी दिक्कत हो सकती है, और हो सकता है कोई वायरस भी आ जाए, तो वही रिस्क है। वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत ज्यादा गलती या एरर होने के चांसेस होते हैं, बफरिंग होने के चांसेस होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। पहले ऐसा होता था जब बारिश होती थी, अब तो खैर बहुत सी चीजें बदल गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल आ गई। पहले क्या होता था, पहले एंटीना होते थे, हल्की सी बारिश हुई, मैच खत्म हो गया, आपका एंटीना से कनेक्शन टूट गया, तो जाकर आप एंटीना हिलाते थे तब जाकर कनेक्शन जुड़ता था, तो ज्यादा रिस्क होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ट्रांसमिशन स्पीड, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क हाई स्पीड से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करेगा, ट्रांसफर करेगा। लोकल एरिया नेटवर्क में हाई स्पीड होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मध्यम स्पीड होती है, ना ज्यादा ज्यादा होगी और ना ही कम स्पीड होगी, तो मीडियम होगी, मध्यम। वाइड एरिया नेटवर्क में जो डेटा आता है वो बहुत ही लो स्पीड से आता है, धीरे धीरे आता है, ठीक है, जो लाइव है वही चल पाएगा। पीछे का तो कई कई ऐसी वीडियोस होती है जिसमें लाइव क्लास चल रही है, तो आप उसको पीछे नहीं करके देख सकते, ठीक है। नेटवर्किंग कॉस्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क में कोई कॉस्ट ही नहीं होती, बिना फ्री के होता है, ब्लूटूथ मैंने ऑन किया, आपने किया, फ्री में फाइल एक्सचेंज हो रही है विदाउट एनी मनी, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ लोकल एरिया नेटवर्क में, ये भी इनएक्सपेंसिव है, केवल तार ही चाहिए, और वो भी आई जाता है, जब आप प्रिंटर खरीद रहे हो वायर वाला, तो वायर उसके साथ ही आएगा, कोई खर्चा ज्यादा नहीं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में खर्चा लगेगा, क्योंकि आपको जगह जगह इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा एक से दूसरे सिस्टम को। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत पैसा लगेगा, पहले इंटरनेट समुद्र में बिछी हुई फाइबर ऑप्टिकल केबल से आपके तट तक आएंगे, फिर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो की कंपनी, एयरटेल की कंपनी, वोडाफोन की कंपनी अपने टावर लगाएगी और उस वायर को कनेक्ट करेगी,
फिर इलेक्ट्रॉनिक आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपके सिस्टम में नेटवर्क आ पाएगा। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत पैसा लगता है इसमें। आपका जो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये सैटेलाइट कनेक्शन भी होता है, तो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, वहां से चीजों को कनेक्ट करके डेटा भेजा जाता है। तो बहुत सारे इसके अंदर मतलब एक्सपेंसिव है भाई, इतना पैसा लगा रहे हो, इतने सारे इक्विपमेंट लगा रहे हो, उसका पैसा तो देना पड़ेगा। जो केबल बिछाई जाती है समुद्र के नीचे वो फ्री में थोड़ी आती है ना। तो जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया? कुछ पूछ लूं मैं आपसे क्वेश्चन इसी बीच? हमने जितना पढ़ा उसी बीच कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अभी तो आगे बहुत सारी चीजें जो कवर कर, ठीक है? तो हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ, बताना फटाफट से जो भी ध्यान। क्लियर, आपको बताना है पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो सीमा होती है, लिमिट होती है, वो कितनी होती है। ऑप्शन ले लो, 10 किलोमीटर होती है, 50 किलोमीटर होती है, 10 मीटर होती है, या 2.5 किलोमीटर होती है। करिए जल्दी से फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो। हां जी, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, बट जितना जितना हम पढ़ते रहेंगे उतना उतना मैं फटाफट से आपको रिवाइज भी करवाती हूँ, ताकि अगर आप इस क्लास में आए हो तो आपको कभी भी मतलब आप याद रखोगे इसे, कोई रात के 12 बजे उठा के पूछे तो भी ध्यान रखो ना। चलो बताओ, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं इसे, पैन को। पर्सनल एरिया नेटवर्क कितनी दूरी तक सीमित होता है? 10 मीटर तक की दूरी में सीमित होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भाई? कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर कितने प्रकार के होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर कितने प्रकार के होते हैं, करके बताओ जल्दी से। गड़बड़ा गए कुछ कुछ, काहे भैया 3 काहे सो जाएंगे, 5 पिटाई नहीं होगी अभी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर 2 प्रकार के होते हैं, पढ़ा तो था अभी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टू पी आर्किटेक्चर और एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर 2 प्रकार के होते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिल्ली ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? पैन हो जाएगा, लैन हो जाएगा, मैन हो जाएगा या वैन हो जाएगा? करो फटाफट से, फिर आगे चलते। पी टू पी बिल्कुल, और क्लाइंट सर्वर, 2 ही प्रकार के नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं, किसी तो 5 भी लिखा है। चलो, दिल्ली ब्रांच से यूपी के ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? बस यही कुछ क्वेश्चन है जो इसमें से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन दे सकता है आपको, पूरे विश्व को कनेक्ट करने के लिए या ये दे सकता है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? क्या कह रहे हो, बिना ऑप्शन के बता दोगे? किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? वैन, मैन, कैन या पेन?
तो जहां बात आ जाएगी ब्रॉडबैंड की, पूरे विश्व को जोड़ने की बात आ जाएगी ब्रॉडबैंड की, जहां बात आ जाएगी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े एरिया को जोड़ने की, तो वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए विद राइट आंसर। तो ऐसे से क्वेश्चन है जो आए हो, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा तरीका, अब आते हैं अब और मजा आने वाला है, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है वो आपकी जिंदगी से रिलेटेड, हमारे साथ जो जो चीजें होती है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसमिशन मोड, किसे कहा जाता है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड होता है किस तरीके से डेटा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। डेटा का आदान प्रदान होने का तरीका ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो डेटा का आदान प्रदान होने का तरीका, डेटा का आदान प्रदान होने का तरीका ट्रांसमिशन मोड कहलाता है, ठीक है। डेटा का सिस्टम में आना या सिस्टम से जाना, डेटा का सिस्टम में आना या जाना ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। समझ गए होगे क्या है ये? ट्रांसमिशन मोड कहलाता है, ठीक है जी। आ जाओ, जिस प्रकार से आप डेटा को ले पा रहे हैं या भेज पा रहे हैं, ठीक है, डेटा का रिसीव और सेंड करना, ठीक है, डेटा के सेंड और रिसीव करने के तरीके को, वो लोग जो हिंदी में चाह रहे हैं, इंग्लिश में चाह रहे हैं, वो लिख लेना। डेटा का सेंड या रिसीव करने का तरीका, द वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है, द वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। बस अब तो समझ गए होंगे क्या हो रहा है ट्रांसमिशन मोड। तो ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं तीन प्रकार के, देर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सिंप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, कुछ कुछ याद आया, और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तो ये तीन प्रकार के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, डेटा को लेने और देने वाले तरीके ट्रांसमिशन मोड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होंगे, सिंप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है और फुल डुप्लेक्स मोड होता है। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अब एक एक करके जान लेते हैं इनके बारे में। सिंप्लेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन किसे कहा जाता है? अब पहले समझते हैं फिर मैं लिखवा देती हूं, ठीक है। सिंप्लेक्स किसे कहा जाएगा? जब एक बार में केवल एक ही जगह से डेटा का आना हो रहा हो, इसे कहते हैं हम सिंप्लेक्स। डेटा वापस नहीं जाता, बस आ रहा है, ठीक है, मतलब यूनिडायरेक्शनल आप इसे कह सकते हो, एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल मोड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केवल एक ही जगह या सोर्स से डेटा का आना सिंप्लेक्स कहलाता है, सिंप्लेक्स मोड कहलाता है, सिंप्लेक्स मोड कहलाता है। क्लियर है जी? आगे आ जाओ, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, ऐसा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है इसके? जब आप टीवी देख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, अब चाहे कुकर में चने चढ़े थे या आलू चढ़ा था, आप कितना भी बोल लो कि जिसने चढ़ाया था वो बेड के नीचे है ना, तो कोकिला चाची हर जगह देख लेंगी पर वो बेड के नीचे नहीं देखेंगी, क्लियर।
चाहे लास्ट बॉल में चौका चाहिए हो, आप कितना भी चिल्ला लो, अरे चौका मार दे चौका मार दे, पर सामने जो बैटिंग कर रहा है उसको तो कुछ सुनाई नहीं देगा, है ना। मतलब कितना भी बोल लो सामने वाला कुछ सुन ही नहीं सकता, केवल एक ही तरफ से डेटा आ रहा है, आप उसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे, ठीक है। जैसे रेडियो हो गया, जो आपको सुनाया जा रहा है आप सुन रहे हो, कोई जवाब नहीं दे पाओगे, सामने वाला कुछ सुनेगा ही नहीं। जैसे कीबोर्ड हो गया, अगर मैं कंप्यूटर में बात करती हूँ, जैसे माउस हो गया, जैसे केबल हो गई, मतलब हर वो चीज जहां से केवल एक बार ही डेटा आ रहा है उसको दोबारा से भेजा नहीं जा सकता, वो सिंप्लेक्स मोड के अंदर, क्लियर है। एक बार में केवल एक ही जगह से डेटा का आना, तो केवल डेटा आ रहा है जा नहीं रहा, इसे कहते हैं हम सिंप्लेक्स। समझ में आया। टीवी, रेडियो, कीबोर्ड, माउस, केबल, इन सभी के उदाहरण हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। आगे चले, चलो नेक्स्ट। फिर आता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड या हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, इसे क्या कहेंगे, ये क्या होता है। तो हाफ डुप्लेक्स कैसा होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है डेटा दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ से आएगा जाएगा, लेकिन एक बार में केवल एक ही तरफ से। आप ऐसे कह सकते हो कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि ये बाई डायरेक्शनल है, डेटा तो दोनों तरफ से आ सकता है, डेटा का आदान प्रदान दोनों तरफ से हो सकता है, या डेटा की शेयरिंग बोथ साइड हो सकती है, डेटा का आदान प्रदान दोनों तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन लेकिन एक बार में, लेकिन एक बार में एक ही काम होगा, लेकिन एक बार में एक ही तरफ से या तो डेटा आएगा या तो जाएगा, या तो डेटा सेंड होगा या रिसीव होगा। ठीक है जी, समझ में आया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ से डेटा आएगा जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार में केवल एक ही जगह से आ सकता है या जा सकता है, आप ऐसे मान सकते हो। वन वे कॉम्युनिकेशन एट अ सिंगल टाइम विद बाई डायरेक्शनल अप्रोच, इफ यू वॉन्ट टू रिटर्न इन इंग्लिश देन यू हैव टू राइट वन वे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन अ सिंगल टाइम, वन वे ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन अ सिंगल टाइम बाय डायरेक्शनल अप्रोच, मतलब दो तरफ से डेटा आ रहा है जा रहा है, लेकिन एक बार में केवल एक ही तरफ से आएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी। एक बार जब यहां से डेटा चला जाएगा, ये बोल देगा ओवर, तभी यहां से डेटा आता है, ठीक है, क्लियर है। आप ऐसे मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पर ये दे रखी है ट्रेन की पटरी, सिंगल पटरी है, एक ही पटरी है ट्रेन की, तो या तो एक बार ट्रेन जाएगी या तो आएगी, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। अब दो ट्रेन एक साथ नहीं आ सकती और ना ही जा सकती है, क्योंकि पटरी तो एक ही है अपने पास, तो यहां पर भी सिग्नल एक ही होता है। या तो एक बार डेटा जाएगा जब ये कंप्लीट रूप से चला जाएगा, उसके बाद ही डेटा यहां से वापस भेजा जा सकता है। आपने मूवी देखी होगी, बहुत सी मूवी आती है जिसमें बोलता है कि यहां पर आतंकवादी घुसकर आ गए, क्या किया जाए, ओवर। फिर सामने वाला ऑर्डर देता है लाठियां बरसा दो, भागे सबके सब यहां से, ओवर। तो जब एक चीज बात खत्म हो तभी दूसरी बात शुरू होती है, ये होता है आपका वन वे ट्रांसमिशन ऑन अ डेटा इन अ सिंगल टाइम बाय डायरेक्शनल अप्रोच, मतलब दोनों तरफ से डेटा जाएगा लेकिन एक बार में एक ही जगह से जा सकता है, क्लियर है बच्चा। तो यहां पर हो गया इसका एग्जाम्पल वॉकी टॉकी।
अब आ जाते हैं हम डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स पे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स पे। तो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड किसे कहा जाता है, आ जाओ, फुल डुप्लेक्स किसे कहा जाता है, बाय डायरेक्शनल बोथ वे कॉम्युनिकेशन इन अ सिंगल ट्री। किसे कहा जाएगा, बाय डायरेक्शनल अप्रोच, बाय डायरेक्शनल अप्रोच, बाय डायरेक्शनल अप्रोच विथ, या बाय डायरेक्शनल अप्रोच बाय टू वे कॉम्युनिकेशन इन अ सिंगल ट्री, टू वे ट्रांसमिशन मोड इन अ सिंगल टाइम, ट्रांसमिशन मोड इन अ सिंगल टाइम। एक ही समय में जब दोनों तरफ से डेटा का आना जाना हो रहा हो तो उसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल अप्रोच, ठीक है। एक ही समय में जब डेटा दोनों तरफ से आ रहा हो या जा रहा हो, या आ रहा हो ही लिखो, तो उसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है, बस, तो उसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्या, वीडियो कॉल, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है वीसी, जिसको हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या वीडियो कॉलिंग भी आप कह सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, और कॉलिंग हो गया वॉइस कॉलिंग, और चैटिंग हो गया। तो ये सारे एग्जांपल आपके किसके हो जाते हैं, फुल डुप्लेक्स। आप सामने वाले को वीडियो कॉल करके बात कर रहे हो, आप भी उसे देख रहे हो, वो भी आपको देख रहा है, सेम टाइम दोनों तरफ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये आपका फुल डुप्लेक्स कहलाता है। जब एक ही समय में दोनों तरफ से डेटा का आना जाना हो वो फुल डुप्लेक्स होगा। कॉल करा है आपने किसी को एक्साइटमेंट में, मेरा सिलेक्शन हो गया मम्मी, अच्छा बेटा बहुत अच्छा हुआ, हाँ मम्मी बहुत, दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, फुल डुप्लेक्स हो गया। चैटिंग, आप भी ऑनलाइन है, सामने वाला भी ऑनलाइन है, आपने मैसेज किया, उसने मैसेज किया, दोनों तरफ से आवाजाही हो रही है, क्या कहलाता है आपका, फुल डुप्लेक्स कहलाता है। तो ये हो गए आपके तीन ट्रांसमिशन मोड, जहां तक है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, क्लियर है जी। तो यहां पर हो जाता है आपका फुल डुप्लेक्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट। इसके बाद आते हम नेटवर्किंग के ही अगले पॉइंट। तो अभी हमने क्या समझा इससे पहले, ट्रांसमिशन मोड के बारे में, कितने प्रकार से डेटा का आना जाना लगा रहता है, तीन प्रकार से। सिंप्लेक्स मोड, एक ही जगह से डेटा आएगा, टीवी हो गया, रेडियो हो गया। हाफ डुप्लेक्स, दोनों जगह से डेटा आ सकता है या जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही जगह से डेटा का आना होगा, जैसे वॉकी टॉकी हो गया। तीसरा हमने पढ़ा फुल डुप्लेक्स, दोनों जगह से डेटा का आना जाना होगा एक ही समय में। जब एक ही समय में डेटा दोनों जगह से आ रहा है तो वो फुल डुप्लेक्स कहलाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया या वॉइस कॉलिंग हो गया, क्लियर। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट पर, जिसे कहा जाता है कॉम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। कॉम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम मतलब जब आप संचार के माध्यम की बात करते हैं, ठीक है, संचार के माध्यम की जब बात की जाती है तो कितने प्रकार के संचार के माध्यम होते हैं, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया। अब इसमें बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि मैडम गाइडेड कौन सा होगा, कैसे याद रखें, और जो अनगाइडेड होता है वो कौन सा होता है, इसको कैसे याद रखें। तो जो भूल जाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक कह सकते हो आप। गाइड का मतलब क्या होता है, आपको रास्ता दिखाएंगे। तो जहां पर तार बंधे हुए होते हैं, जहां पर तार बंधे हुए हैं वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आप तार पकड़ पकड़ के चलो, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो तार वाले मीडिया गाइडेड मीडिया होंगे, और अनगाइड कहां कर देंगे, जहां तार ही नहीं होगा, जहां वायर नहीं है, वायरलेस, कहीं पर भी ले जाएंगे आपको,
तार नहीं है ना, पकड़ पकड़ के कैसे जाओगे? तो बिना तार वाले अनगाइडेड मीडिया होते हैं, तार वाले गाइडेड मीडिया होते हैं। अब नहीं भूलोगे कभी, ठीक है? आ जाओ। तो गाइडेड मीडिया होते हैं तीन प्रकार के बेसिकली। कौन कौन से होते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, जिसे युग्म तार कहा जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सल केबल होते हैं, जिसे कोएक्सल कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं, जिसे प्रकाश तंतु कहा जाता है। तो ये तो तार हो गए, तीन प्रकार की वायर होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है? आगे इसके बाद आती है आपकी अनगाइडेड मीडिया। या तो आप तार का इस्तेमाल करके संचार को कनेक्ट करो, कम्युनिकेशन बनाओ या नेटवर्क बनाओ, मान लो। या तो तार का इस्तेमाल करके नेटवर्क बनाया जाएगा या बिना तार के बनाया जाएगा। तार इस्तेमाल होंगे तीन प्रकार के, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल और ऑप्टिकल फाइबर। बिना तार के अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो या तो आप इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करोगे, या तो आप रेडियो वेव का इस्तेमाल करोगे, या तो आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करोगे, या तो आप सैटेलाइट उपग्रह का इस्तेमाल करोगे, या फिर आप ब्लूटूथ और वाईफाई का इस्तेमाल करोगे। तो बिना तार के इन तरीके से आप संचार बना सकते हो, और तार के साथ इन तरीके से बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए देखे करके समझेंगे इसे, बिल्कुल भी परेशान मत हो। आज सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, ठीक है? आपने घरों में ऐसी वायर देखी है कहीं? देखी हुई है नहीं देखी हुई है बताओ? आपने घरों में ट्विस्टेड वायर नहीं देखी, ट्विस्टेड पेयर केबल कहीं देखी है? ऐसी वायर आपस में लिपटी हुई रहती है, एक ब्लैक कलर की होती है और एक दूसरे कलर की होती है ना? अगर आप इसको छीलोगे, हालांकि छीलने मत बैठ जाना, ठीक है? अगर आप तार को अंदर से छील देते हो, जब ये आपका कनेक्ट नहीं कर पाता है सही से, तो आप उसको छील देते हो ना, RJ45 या किसी का इस्तेमाल करके, तो आपको अंदर ऐसी वायर लिपटी हुई दिखाई देती है। फिर क्या करते हैं? माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल करके इनको हम प्लग के अंदर डाल देते हैं, उस टाइम तो चली जाती, तो ये वायर दिखाई देती है, ठीक है? इसके बाद आपको कुछ वायर तो कलर वाली दिखाई देंगी, और एक वायर सेम होगी, या तो वो व्हाइट कलर की होगी सब में सेम होगी, या तो वो ब्लैक कलर की होगी जो सब में सेम होगी, या तो वो ब्लैक कलर की होगी जो सब में सेम है और बाकी दूसरे कलर की है, ऑरेंज हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, और एक ब्लैक जरूर होगी सब। अब या तो वो ब्लैक होगी या तो वो व्हाइट होगी, बट होगी चारों में सेम, ठीक है? ट्विस्टेड पेयर केबल में कितने पेयर होते हैं? चार पेयर होते हैं केबल की, ऐसी वायर होती है। चार पेयर का मतलब होता है आठ केबल, ठीक है? अगर मैं केवल एक पेयर को निकालूं, तो इसमें एक केबल होती है जो ग्राउंड ग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है, अर्थिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो दूसरी केबल होती है उसमें सिग्नल होते हैं, ठीक है? तो ये दो केबल होती है, लिपटी हुई होती है ये आठ केबल, टोटल चार के पेयर में होती है, और एक सेम होगी सब में ब्लैक, वो ग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है, अर्थिंग के लिए, क्लियर है? तो टोटल आठ केबल। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल आपने जरूर देखी होंगी, घरों में इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली इसको, जो लैंडलाइन के हमारे मोबाइल फोन होते थे, लैंडलाइन जो फोन होते थे उनमें ये केबल इस्तेमाल होते थे, ट्विस्टेड पेयर केबल। आ जाओ अब समझते हैं हम इसके बारे में, आपको समझ में आ गया बात किसकी हो रही है? अब और अच्छे से समझ में आ जाए। ट्विस्टेड पेयर केबल या ईथरनेट केबल जिसे कहा जाता है, इनमें से दो या चार इंसुलेटेड तारों को एक साथ पेचदार मॉडल में घुमाया जाता है। ट्विस्टेड को नॉइस, क्रॉस्टल, अन्य बाहरी संकेतों के हस्तक्षेप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्रेंस EMI को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसके लिए होगा, कभी कनेक्शन बनाना है तेज। RJ45 जैक कनेक्टर का इस्तेमाल करके इसे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? RJ होता है आपका रजिस्टर्ड जैक, मतलब एक इस तरीके का पोर्ट होगा जहां से आप इस केबल को जोड़ दोगे, ठीक है?
तो अगर केवल मोटी होती है तो एक टूल होता है, आपने देखा हो कोई भैया आए हो, एक टूल होता है ऐसा पेचकस टाइप का होता है, ठीक है, मछली लग रही होगी, वैसे मछली नहीं है ये टूल है। तो अगर तार मोटा है तो यहां पे होता है आपका RJ45, यहां पर केबल को अंदर ले जाकर वैसे छील देते हैं तो वो RJ45 में कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। चल तो कुल मिलाकर ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, RJ रजिस्टर्ड जैक 45 में ये कनेक्ट होती है। ध्यान रखना छोटी चीजें, हम कहते इतने अंदर से चीजें कहां से पूछ ली, वो यहां से पूछ ली, क्लियर। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो या चार इंसुलेटेड तारों को एक साथ मतलब ट्विस्ट किया जाता है, पेयर बनाया जाता है। कैट 5 टोटल ये होती है आपकी कितनी केबल, तो ये कॉपर की केबल होती है, ठीक है, जिसे हम कैट कहते हैं, ये कॉपर की केबल होती है, 7 प्रकार की होती है, CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, CAT 5, CAT 6, CAT 7, ठीक है। तो CAT 5 और CAT 6 विनिर्देश आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल की जाती है, जबकि अन्य निचली श्रेणियों का उपयोग लैंडलाइन टेलीफोन के कनेक्शन के लिए किया जाता है। मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल में जो कैट 5 है और कैट 6 केबल है, केवल यही लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल की जाएंगी, बाकी सभी टेलीफोन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसे दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, जो आपकी ट्विस्टेड पेयर होती है दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक होती है शील्ड ट्विस्टेड पेयर जिसे STP कहते हैं, और एक होती है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर जिसे UTP कहा जाता है, क्लियर है। STP, UTP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसके ऊपर आपको मतलब एक प्लास्टिक का और रबड़ का परत चढ़ी हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। दूसरी अनशील्ड होती है जिसमें कोई परत नहीं होती, डायरेक्ट आपको पतली पतली तारे एक ही प्लास्टिक के सोल में दिख जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, तो इनको दो प्रकार में बांटा जाता है, अनशील्ड और शील्ड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को एक अतिरिक्त इंसुलेशन के द्वारा कवर किया जाता है ताकि करंट ना लगे, है ना, ताकि सिग्नल इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। सिग्नल का जो बार बार सिग्नल में नॉइज आता है या बार बार जो सिग्नल ब्रेक होते हैं टूटते हैं, वो कम टूटे, इसलिए यहां पर एक शील्ड या एक इंसुलेशन को रबड़ होता है ना, इंसुलेशन हो गया, मतलब किसी ऐसी चीज से कवर किया जाता है जिसमें करंट पास ना, जो इंसुलेटर का काम करे, ठीक है, जो कुचालक हो कह सकते हो। इसकी एडवांटेज क्या होगी, कम कीमत होती है और फ्लेक्सिबल केबल होती है, ये पतली और फ्लेक्सिबल है, इसे इंस्टॉल और मेंटेन करना आसान है, तभी आपके जो सस्ती भी होती है ये केबल, इजीली उपलब्ध होती है, तो आप इसको टेलीफोन में इस्तेमाल करते हो, जितनी भी टेलीफोन की लाइनें बिछ हुई है सब में ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। इसके क्या डिसएडवांटेज है, क्या बुराई है इसमें, तो ये छोटी दूरी के लिए तो इस्तेमाल की जा सकती है, 100 मीटर तक की दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अधिक दूरी के लिए रिपीटर की आवश्यकता होगी, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है NCERT वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करके बहुत दूरी तक नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको रिपीटर जैसे नेटवर्किंग डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिपीटर क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक डिब्बा है जिसमें दो पोर्ट होते हैं, ये नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस डिब्बे का इस्तेमाल करके आप इसमें तार को जोड़ दोगे तब आप इसकी दूरी को बढ़ा सकते हो। अकेले 100 मीटर तक की दूरी देगा, रिपीटर के साथ लॉन्ग दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। ये लो बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, 100 Mbps तक की स्पीड इसमें आ सकती है, 100 मतलब ये कम बैंडविड्थ का मतलब होता है, बैंडविड्थ का मतलब होता है BPS, बिट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है। आप जब इंटरनेट चलाते हो तो ऊपर आता है ना KBPS में स्पीड आ रही है, MBPS में स्पीड आ रही है, GBPS में आएगी तो बल्ले बल्ले काम इतनी जल्दी हो रहा है, KBPS में आती है तो रुला कर रख देता है इंटरनेट, तो यही होती है आपकी स्पीड, कितने सेकेंड में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये 100 Mbps तक की स्पीड दे पाती है, 100 Mbps तक का ही आपको मिल पाता है डेटा, ठीक है। इसलिए कहते हैं जो टेलीफोन लाइन के जो इंटरनेट नहीं होती जिसे कहते हैं हम डायल अप कनेक्शन, तो जो डायल अप कनेक्शन होते हैं इसलिए वो बहुत स्लो होते हैं,
क्योंकि डायलअप कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट आपकी जो फोन लाइन है उसी से कनेक्ट करके इंटरनेट आपको दिया जाता है, तो इसकी स्पीड खुद ही 100 Mbps है, तो वो आपको कैसे देगा, स्पीड इसलिए इसकी भी स्लो हो जाती है। तो डायलअप कनेक्शन टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। समझ में आया ट्विस्टेड पेयर के केबल के बारे? अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल में राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और ऐसा क्वेश्चन था, अभी मैं आपको बताऊंगी तो आप बोलोगे कि मैडम ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए था, पर एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। उसने ये पूछा कि ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन से रंग की केबल नहीं होती है? देख रहे हो, तो चार रंग की केबल होती है, एक होती है हरे रंग की केबल ग्रीन, एक होती है नीले रंग की केबल ब्लू, एक होती है ऑरेंज रंग की केबल और एक होती है रेड रंग की केबल। रेड नहीं, ब्राउन्ड करना इसे, रेड नहीं ब्राउन्ड करना। तो ये चार कलर होते हैं केवल, ध्यान रखना। उस क्वेश्चन में दिया हुआ था, राजस्थान का क्वेश्चन था, राजस्थान सूचना सहायक में आया हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर, अभी की बात है, जो पिछला हुआ था 2018 में, ठीक है। तो कौन सी कलर की केवल नहीं होती है? तो ध्यान रखो, ग्रीन ब्लू ऑरेंज ब्राउन तो है, बाकी नहीं, क्लियर। आगे चले नेक्स्ट, इसके बाद आती है कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल हम सभी ने अपने घरों में देखी होगी, नहीं? जब हमारे एग्जाम होते थे तो पापा मम्मी यही करते थे, पीछे से जो हमारा टीवी होता था वहां से केबल निकाल देते थे, बोलते थे देखो इंटरनेट वो तो आ ही नहीं रहा, चैनल नहीं आ रहे, पढ़ो बैठ के। तो ये वाली केबल क्या आपने कहीं देखी है? कहां देखी है? इसे कहते हैं हम कोएक्सल केबल, ठीक है। एक कोएक्सल केबल में दो इंसुलेटर वाले कंडक्टर होते हैं जो एक सामान्य कक्ष कॉमन एक्सेस शेयर करते हैं। इनर कंडक्टर एक सीधी तार है जो वायर बाहर कंडक्टर से घिरा हुआ होता है। प्रत्येक इंसुलेटर के द्वारा अलग अलग किया जाता है ताकि इसकी स्पीड और बढ़ जाए। इंटरनल कोर सिग्नल को वहन करता है और मैश का काम करता है। नॉइज रिफ्लेक्शनल ये आम तौर पर केवल टीवी ट्रांसमिशन के उपयोग में किया जाता है। तो जब आपने टीवी लिया होगा तो आपने केबल लगाया होगा, डिश टीवी एंटीना इसको लगा जाना, लाइव जिंगल आना, तो आप जब उस डिश टीवी से उस केबल को लगाते हो अपने टीवी के अंदर, तो जो वायर होती है उसे ही कहते हैं कोएक्सल केबल। इसमें दो इंसुलेटर होते हैं और दो ही कंडक्टर होते हैं, उनको आपस में अलग अलग कर दिया जाता है ताकि डेटा स्पीड से बिना किसी ब्रेकआउट कनेक्शन के, बिना किसी कनेक्शन के टूटे डेटा एक दूसरे में ट्रांसफर हो सके, ठीक है। ये बाहर इंसुलेटर है रबड़, फिर कॉपर लगा दिया गया तांबा जो कि सुचालक है, फिर लगा दिया दोबारा से इंसुलेटर कुचालक, फिर लगा दिया कॉपर की वायर जो सुचालक है, ठीक है। तो दो हो गए इसमें इंसुलेटर और दो हो गए इसमें कंडक्टर, ठीक है, और इसी वजह से डेटा की जो स्पीड होती है वो और तेज हो जाती है, डेटा डायरेक्ट आपके सिस्टम में आ जाता है। आगे आ जाओ, इसके क्या एडवांटेज होते हैं कि ये हाई बैंडविड्थ उपलब्ध करवाता है, बढ़िया बैंडविड्थ देता है, डेटा को लंबी दूरी 185 से 500 मीटर तक ले जाया जा सकता है, ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन जैसे केबल टीवी के लिए एकदम उपयुक्त होता है, केबल टीवी में यूज होगा, शेयर केबल नेटवर्क में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, भाई केबल के थ्रू अगर आप अपने सिस्टम को ऐड करना चाह रहे हो, जोड़ना चाह रहे हो, तो भी इस्तेमाल होगा, मेनली केबल टीवी के लिए होता है। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के लिए कम संवेदनशील होता है, ठीक है, तो जहां बिजली है ये उसके लिए कम फ्लेक्सिबल हो, संवेदनशील होगा, सेंसिबल होगा। इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं? ये ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में कम फ्लेक्सिबल होता है और ज्यादा महंगा होता है। ट्विस्टेड पेयर बहुत फ्लेक्सिबल था, बेचारे को कैसे भी काट के कुछ भी बनाकर आप जोड़ सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो, कोएक्सल केबल में ऐसा नहीं होता, ये जिसके लिए बनाया गया मेनली वही काम करेगा, और ये थोड़ा महंगा भी होता है क्योंकि इसमें दो दो इंसुलेटर और दो दो कंडक्टर लगाए गए हैं, इसलिए ये महंगा भी है, ठीक है। इसकी मोटाई 1 cm की व्यास के साथ होती है, डायमीटर के साथ होती है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, ठीक है। पुअर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसको इंस्टॉल करना कठिन कार्य होता है, तो केबल लगाने वाले भैया निकाल लेते हैं पैसा अपना, इससे कठिन काम कर सकते हैं, ठीक है। तो केबल को, कोएक्सल केबल को इस्तेमाल करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन जहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा उसकी जगह किसी और को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। टीवी केबल में कोएक्सल पेयर का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट, आया ये बहुत ही बढ़िया केबल आपकी,
जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल, प्रकाश तंतु। ऑप्टिकल फाइबर केबल इस तरीके की होती है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसकी बनावट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। ध्यान रखना, जहां पर बात होगी ऑप्टिकल फाइबर केबल की वहां बात होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अभी मैं इसको दोबारा से अपनी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। आज इसमें प्रकाश किरणें फोटोन के रूप में सिग्नल को ले जाने के लिए कांच और कांच के जैसी लंबी पतली छड़ी लगी हुई होती है, मतलब इसमें ग्लास लगा हुआ होता है, ग्लास से बनी होती है। सिग्नल को उत्सर्जित किया जाता है और प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग एलईडी या लेजर बीम का उपयोग करके इसका जो सोर्स है उसको प्रकाश में बदल दिया जाता है, ठीक है। आ जाओ अब मैं समझा दूं कि क्या क्या हो रहा है। अब देख, फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है वो प्लास्टिक और ग्लास की बनी हुई। अभी तक जो हमने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ी और जो हमने कोएक्सल केबल पढ़ी, उसमें क्या था, सुचालक था, कॉपर का इस्तेमाल कर रखा था, तांबे का इस्तेमाल था। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है ये ग्लास, कांच और प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बनती है। ऐसा क्यों, इसमें मैडम क्यों नहीं इस्तेमाल किया कॉपर? क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट को समुद्र के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। अगर आप इंटरनेट की उसमें जाओगे ना, हिस्ट्री में, कि इंटरनेट अमेरिका में स्टार्ट हुआ था 1969 में, अमेरिका से कैसे आया भारत, यूरोप कैसे गया और जगह, तो ये समुद्र में लाइन या समुद्र में मोटी मोटी केबल बिछाई गई थी, तब जाकर इंटरनेट को एक से दूसरी जगह भेजा गया, क्योंकि सैटेलाइट में तो बहुत पैसे लग जाते है ना, तो सैटेलाइट तो अब आई है। खैर, अभी भी ये मान के चलो उन केबल का इस्तेमाल करके इंटरनेट का आवाजाही हो रहा है, तभी तो महंगा था। अब तो खैर जियो आ गया तो थोड़ा सा और सस्ता हो गया, जियो अपने आए ना भाई। आ जाओ, तो समुद्र के नीचे इंटरनेट को सप्लाई करने के लिए इस केबल का इस्तेमाल करना था। अब अगर समुद्र के अंदर हम यहां पर इस्तेमाल करते कोई ऐसी केबल जिसमें होती क्या, कॉपर की वायर, तो काट छाट हो जाती है, सपोज करो कुछ कट पिट जाता तो भैया तो करंट फैला देता पूरे पानी में। तो हमें एक ऐसी केबल चाहिए थी जिसमें कॉपर का इस्तेमाल ना हो या किसी भी प्रकार की ऐसी धातु का इस्तेमाल ना हो जो करंट को पूरे समुद्र में फैला दे, है ना। तो इसलिए इस केबल को बनाया गया जो कि ग्लास और प्लास्टिक की मिलकर बने। इसका इस्तेमाल होता है इंटरनेट को भेजने के, ठीक है। आप कैसे भेजे, तो ग्लास प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसके अंदर होती है रोशनी, जैसे अभी बोला मैंने एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड या लेजर बीम का इस्तेमाल करके इसमें किया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यहां पर बन जाती है क्या, लाइट पल्स पैदा होती है, रोशनी पैदा होती है, और उसी के जरिए इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसी रोशनी को कहते हैं हम पैकेट। तो इंटरनेट जो होता है ये पैकेट के रूप में भेजा जाता है, इसलिए इंटरनेट को पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कहा जाता है। क्लियर है, इंटरनेट का जो डेटा या इंटरनेट जो है वो पैकेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू होगा, ग्लास प्लास्टिक की बनी होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बस ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली केबल कौन सी है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है। आ जाओ और चीजें देख लेते हैं इसके अंदर, और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। द ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कोर होता है जिसको ग्लास या प्लास्टिक का जो बना होता है, ये एक पतली कांच की नली होती है जिसके बीच में प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, एक से दूसरी तरफ जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लैडिंग होता है, ये कोर को घेरे हुए ऑप्टिकल मटेरियल है जो प्रकाश को परिवर्तित करके कोर में वापस भेजने का काम करता है, तभी तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये आपका क्या है, कोर है, ठीक है, ये प्रकाश को रिसीव करेगा और वापस से भेज देगा। फिर बफर कोटिंग होती है,
तो ये प्लास्टिक कोटिंग होती है जो केबल को डैमेज और मॉइस्चर से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो तो ऊपर वाली कोटिंग है ताकि कुछ काट छाट ना हो, मोटी परत होती है तो कुछ जल्दी से इसका कुछ बिगड़ता है, ठीक है। बस इसकी क्या डिसएडवांटेज होती है, तो ये ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्रेंस के प्रभाव से मुक्त होती है क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक की बनी हुई है। ये सिक्योर और हाई स्पीड ट्रांसमिशन को लंबी दूरी के लिए उपलब्ध करवाती है। इसमें डेटा कभी खर्च नहीं होता, अगर आपने डेटा भेजा है 1 मेगाबाइट तो उतना ही जाएगा। इसमें डेटा लॉस नहीं होता, सबसे अच्छा पॉइंट, इसलिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या डिसएडवांटेज है, इतनी सारी चीजें लगा दी तो महंगी तो पड़ेगी। ये सबसे महंगी और काफी नाजुक केबल होती है, बहुत महंगी केबल है, ग्लास की कांच की बनी हुई है तो बहुत नाजुक भी है, केयर करना पड़ेगा। इसका इंस्टॉलेशन अत्यंत कठिन और खर्चीला होता है और इसी खर्च की वजह से पहले जो हमें मिलता था ना इंटरनेट बहुत महंगा मिलता था, नहीं 23 रुपए का शायद वो आपने खरीदा टॉप अप रिचार्ज जो आता था पर्ची सी, उस पे आप ऐसे करते थे स्कैन, उसको क्या बोलते हैं उसको, अरे स्कैन करते थे ना आप उसको, ठीक है। तो उसमें क्या मिलता था आपको, उसमें स्क्रैच करते थे, स्क्रैच कहते थे, ठीक है, रुचना स्क्रैच करते थे, तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर मिलता था उसे डाला जाता था और तब जाकर आपके फोन में इंटरनेट होता था। पहले बहुत महंगा था, अब धीरे धीरे सस्ता हो गया। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है चीजें? अब आज इसका मेन डिफरेंस देख लेते हैं, फिर वायरलेस देख लेंगे, ठीक है। बस 2-3 पॉइंट और बचते हैं आपके नेटवर्किंग के पार्ट की, तो पहले हम थ्योरी कवर कर रहे हैं और फिर लास्ट में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे आ जाओ, क्या क्या इसमें चेंजेस, मतलब क्या क्या चीजें जो थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट हो जाएंगी हमें तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की डेटा ट्रांसफर रेट है 10 मेगाबाइट पर सेकेंड से 10 गीगाबाइट पर सेकेंड, 10 Mbps से 10 Gbps तक की रेंज आपको ट्विस्टेड पेयर में मिलती है। कोएक्सल में होती है 100 Mbps और ऑप्टिकल फाइबर केबल में होती है 100 Gbps से कम, मतलब 100 Gbps से ज्यादा होती है, ठीक है। आगे आ जाओ, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ट्विस्टेड पेयर केबल 100 मीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोएक्सल केबल को 185 से लेकर 500 मीटर तक यूज किया जा सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल को 10 किलोमीटर से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ, ईएमआई सस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी, सबसे ज्यादा होती है इसकी, कोएक्सल केबल की थोड़ी कम होती है और इसमें तो खैर होती ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्रेंस का मतलब होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्रेंस यहां पर ज्यादा होता है क्योंकि ये सीधा केबल है, एक ही पतला सा इसके अंदर अनशील्ड और शील्ड लगा रखी थी। कोएक्सल केबल में थोड़ी कम हो जाती है, इसमें रबड़ लगाई जाती है, 2 इंसुलेटर और 2 कंडक्टर होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल में होती नहीं है क्योंकि ये कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। कॉस्ट सबसे सस्ता होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दुकानों पे मिल जाएगा ये, मोर देन ये थोड़ा महंगा हो गया, ठीक है, डिश टीवी एंटीना के लिए जो यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल दुकानों पे नहीं मिलेगा, ये बहुत महंगा होता है, ये केवल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ही दिया जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, अच्छा इंटरनेट का कोई स्वामी नहीं है, ध्यान रखना ये भी चीज है ना, इंटरनेट का कोई भी स्वामी नहीं है, इंटरनेट फ्री है। ऐसा नहीं किसी देश ने बोला कि हम इंटरनेट बंद कर देंगे, जैसे ट्विटर हो गया, जैसे आपका ये हो गया फेसबुक हो गया, तो भाई इसकी तो कोई कंपनी है ना जिसने इसको बनाया है, तो फेसबुक बंद कर सकते हैं, हाँ इंडिया से हटा देंगे हम, आपका ये ट्विटर आप बंद कर सकते हैं कि इंडिया से हटा देंगे, लेकिन इंटरनेट को कोई नहीं बंद कर सकता। कि कोई देश बोले कि भैया मैंने इंटरनेट बनाया मैं बंद कर रहा हूं, कोई नहीं चलाएगा इसे, तो इंटरनेट का कोई स्वामी नहीं, ठीक है। आज तो हमने अभी पढ़ा कौन सा, वो वाले मीडियम पढ़े जिसमें वायर का इस्तेमाल होता था और वही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये तो साइंस वाला पार्ट हो जाएगा, इसको फटाफट से बस देख लेंगे। तो 3 मीडियम होते हैं वायर वाले, ट्विस्टेड पेयर केबल जो घरों में यूज हो रहा था, बिल्डिंग में यूज हो रहा था, छोटी मोटी चीजों में, कोएक्सल केबल जो डिश टीवी एंटीना में यूज होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल जिसका इस्तेमाल इंटरनेट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं वायरलेस मीडिया में, बिना तार वाला मीडिया, सबसे पहले आते हैं इसमें रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे 3 गीगाहर्ट्ज की सीमा में रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके इस्तेमाल की जाती है। सिग्नल को हाई स्पीड रेशियो में वेव कैरियर फ्रिक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूल AM या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM
आदि का उपयोग करके संशोधित इसको बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। ये तरंगे आयनोस्फेयर, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, आयनोस्फेयर का उपयोग करती है जैसे कि सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए आरेख में दिखाया गया है। ये डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। इसलिए ये लंबी दूरी तक संचालित हो सकते हैं, ये मोबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, गतिशील होते हैं, स्पीड होती है, ज्यादा दूर तक कनेक्ट किए जा सकते हैं। कहाँ पे होते हैं ये? आयनोस्फेयर से कनेक्ट करके सिग्नल को भेजा जाता है। तो रेडियो तरंगे हो गई आपकी, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, ये दो टावर इसने बना दिए, और ये ग्राउंड वेव है जो एक जगह से दूसरे टावर में जा रही है। यहां देखोगे तो ये अर्थ की सरफेस है, ये दो टावर बना दिए, पहले सिग्नल गया आयनोस्फेयर में तब जाकर दूसरे टावर में। तो रेडियो वेव्स इस्तेमाल की जाती है नॉर्मली इन सब कामों के लिए। इसका एग्जांपल पूछेगा क्योंकि साइंस का पार्ट हो जाएगा, हालांकि तो साइंस में भी इतना डीपली नहीं पूछता। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि रेडियो वेव का इस्तेमाल कहां होता है, छोटी दूरी वॉकी टॉकी से लेकर शहर के अंदर की लंबी दूरी AM या FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहते FM रेडियो नहीं, तो AM FM जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है इसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही में आपका जो वॉकी टॉकी है इसमें भी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। केवल एग्जांपल याद रखना है, बहुत डीपली नहीं घुसना, ठीक है, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं भाई। आगे आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करती हूँ। तो रेडियो कम्युनिकेशन बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है, ये हमने पढ़ी लिया। रेडियो वेव सभी दिशाओं में फैलता है, ठोस दीवारों को भी आसानी से पार कर लेता है। आप घर में बैठ के चलाओ अपने मोबाइल फोन में, रेडियो कनेक्ट कर देता है ना, मतलब आपकी जो मोटी मोटी दीवारें हैं उसकी तरंगों को रोक नहीं पाती। आगे, ये कम्युनिकेशन को दुर्गम स्थानों पर भी आसान बना देता है। कहीं कुछ चले ना चले, रेडियो जरूर चलेगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीने को फिजिकली अलाइंड करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको एक सीधी रेखा में नहीं रखना है कि अरे यहां पर आ रही है रेडियो वेव्स, यहां पर नहीं आ रही, नॉर्मल रखो, हो जाएगा काम, ठीक है। वो अलग बात है बारिश और तेज हवाएं आए तो। फिर इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं? ये एक एक्सपेंसिव और अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन का माध्यम है, इजी टू हैक हो जाता है। ये मौसम के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील है, मैंने बोला ना, जब तेज हवाएं चलती हैं या बारिश होती है तो घरघराहट शुरू हो जाती है, सिग्नल टूटने लग जाते हैं, भाई आयनोस्फीयर से आ रहे टकरा के सिग्नल। रेडियो तरंगे प्रसारण के लिए उपयोग के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति आवश्यक होती है। मतलब अगर आपको रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके किसी प्रकार का प्रसारण करना है तो आपको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। टीवी पे तो नॉर्मली कोई भी कुछ भी बोल रहा है, नहीं, लेकिन अगर आप रेडियो पे कोई भी चीज दिखाना चाहते हो, लाना चाहते हो, तो आपके पास एक अनुमति होनी चाहिए, ठीक है। बस ये तो नॉर्मल चीजें थी। आगे आ जाते हैं माइक्रोवेव के बारे में, ठीक है। अब फटाफट से बस एग्जांपल देखो जो इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बात करें। माइक्रोवेव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हंसी आ रही है, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, एट लास्ट देखना कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं आपके, ठीक है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव संचार में दो शक्तिशाली पैराबोलिक एंटीना हवा के माध्यम से संकेतों को भेजने और प्राप्त करने के लिए टावर, इमारत, पहाड़ी पर लगाए जाते हैं। हालांकि इन्हें प्रत्येक के साथ अलाइन किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा जब टावर लगे हुए होते हैं, नहीं, जब आप रास्ते में जाते हो आपको टावर दिखते हैं, तो जो टावर की डिस्क होती है ना वो एक सीधी में लाइन, एक सीधी लाइन में लगी होनी जरूरी है, तभी माइक्रोवेव का काम होगा। माइक्रोवेव काम करता है जब एक सीधी लाइन में आप डेटा कनेक्ट कर रहे हो या डेटा का आवाजावा हो रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगी, डेटा आएगा और यहाँ पर रिसीव होकर आउटपुट बाहर चला जाएगा। तो मेनली बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। पैराबोलिक एंटीना होता है, हवा के माध्यम से संकेत भेजने और प्राप्त करने का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट माइक्रोवेव्स के अंदर एक सीध में सिग्नल का या डिस्क का होना जरूरी होता है। कठिन इलाकों में माइक्रोवेव का संचार आसान हो जाता है, पहाड़ी इलाकों का जिसकी जिक्र करिए अभी। ये प्रति सेकंड लगभग 16 गीगाबिट पर सेकंड के डेटा ट्रांसमिशन रेट की अनुमति देता है, क्योंकि ये हवा के द्वारा जा रहा है ना। डिसएडवांटेज अनसिक्योर कम्युनिकेशन है, बिल्कुल, हवा के विभिन्न दिशाओं से सिग्नल टूट जाते हैं। माइक्रोवेव का प्रसार
मौसम की स्थिति से प्रभावित होता है, ज्यादा तेज बारिश आ गई, तूफान आ गया तो कनेक्शन टूट जाएगा। टावर और एंटीना स्थापित करने की लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है, मतलब जाहिर सी बात है अगर आप इसको ऐसी जगह लगा रहे हो जहां पर टावर लगाना, जहां पर सिग्नल बनाना मुश्किल है तो पहाड़ी इलाका होगा, खर्चा ज्यादा आएगा, आपको ज्यादा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बस रेडियो वेव माइक्रोवेव में आप इतना ध्यान रखो, कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से। इंफ्रारेड वेव्स की मैं बात करती हूँ, तो इंफ्रारेड वेव्स बस आप ऐसे समझ लेना, इंफ्रारेड वेव्स किसे कहा जाता है, तो इंफ्रारेड वेव्स होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिमोट कंट्रोल चीजों में। बस एक एग्जांपल ध्यान रखोगे इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें भी सिग्नल सीधे ही होना चाहिए। आप टीवी चलाते हो, टीवी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट आप किचन में ले जाओ और किचन से चलाओ टीवी को, तो क्या आपके ड्राइंग रूम में टीवी चल जाएगा? भाई बहन में हो गई लड़ाई, भाई को देखना है कार्टून, बहन को देखना है न्यूज, भाई के पास है रिमोट तो बहन गई और लगा दिया उसने तकिया टीवी के सामने, तो क्या भैया चला लेगा? रिमोट से कुछ भी चैनल बदल सकता है? नहीं ना। तो इंफ्रारेड वेव्स जो होती है वो फिजिकली मतलब भौतिक वस्तुओं को आर पार नहीं कर सकती। इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है कम दूरी के लिए, बेसिकली ये सीधी लाइन में सिग्नल को इस्तेमाल करके काम कर सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है। क्लियर, बस इतना ध्यान रखना। इंफ्रारेड वेव्स नेटवर्क वायरलेस सिग्नल का उपयोग करके डिवाइस को 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक की छोटी रेंज, लगभग छोटी रेंज बोला मैंने, 5 मीटर तक के भीतर ही, मतलब 5 मीटर के अंदर अंदर ही आप इंफ्रारेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली इंफ्रारेड ट्रांसमिशन टेक्निक, आधुनिक रिमोट से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे टीवी हो गया, आपका कार्डलेस फोन हो गया, खिलौने हो गए, रिमोट कंट्रोल कार नहीं आती है वो भी इसी तरीके से चलती है, तो ये सब इन सभी के अंदर इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली यूज होगा। एक प्रकार की लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होती है, गवर्नमेंट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, इजी टू मेड है, ये कम दूरी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। क्या इसकी बुराइयां है? एक प्रकार की लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है, इसमें एक समय में सिर्फ 2 डिवाइस ही आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। टीवी का रिमोट टीवी से कनेक्ट हो सकता है, केवल 2 ही डिवाइस एक टाइम पे कनेक्ट होंगे, बाकियों को नहीं कर सकते। ये ठोस वस्तुओं के पार नहीं जा सकता, मैंने बोला बहन ने तकिया लगा दिया, भाई चैनल ही चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, फिर भैया क्या करेगा? सेल निकाल लेगा रिमोट। दूरी अधिक होने पर बाधित हो जाएगा, अगर आप रिमोट लेकर चले गए छत पे, टंकी पे चढ़ गए, टंकी पे चढ़ के आप अपने घर के ड्राइंग रूम का टीवी चेंज नहीं कर सकते चैनल, ठीक है, क्योंकि आपकी दीवार को नहीं कर सकता, तो दीवार जो होती है कोई भी भौतिक वस्तु है उसको ये आर पार नहीं कर सकता, इसकी रेंज जो है वेव जो है वो आर पार नहीं जाती। बस इतनी चीजें थी इसके अंदर। लास्ट आता है आपका अनगाइडेड मीडिया में सैटेलाइट लिंक, या जिसे हम उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन माध्यम के रूप में माइक्रोवेव 1.5 गीगाहर्ट्ज से 20 गीगाहर्ट्ज का प्रयोग करता है। सैटेलाइट जैसे जियो स्टेशनरी या पोलर सैटेलाइट का प्रयोग पृथ्वी पर उपस्थित केंद्रों पर एंटीना के द्वारा संचार स्थापित किया जाता है। मतलब जो पृथ्वी पे एंटीना लगे हुए हैं उनको सिग्नल मिलता है जो सैटेलाइट होते हैं वहां से। क्लियर है? आगे जैसे डीटीएच हो गया, वीसेट हो गया, जीपीएस हो गया, ये सैटेलाइट फोन, ये सारी सेवाएं सैटेलाइट के माध्यम से ही प्रदान की जाती हैं। हम ग्लोब नहीं देखते हैं, ग्लोब देखते हो ना, इंडिया कहाँ पे है, अमेरिका कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, वो सारी चीजें आपको इसी के थ्रू देखते हैं। हम पोजिशन देखते हैं कि हम किधर खड़े हुए हैं, हमें जहां जाना है वो कितने दूर पर है, ये सारी चीजें हमें इसी से दिखाई देती। क्लियर है? चलो, एक सैटेलाइट स्पेस में एक ट्रांस रिसीवर एंटीना की तरह काम करती है जो सिग्नल को रिसीव और रीजनरेट और रीडायरेक्ट करती है। सिग्नल को लेगी, उसको दोबारा से बनाएगी और दोबारा से आगे ट्रांसफर कर देगी। इसकी क्या एडवांटेज होती है? ये बहुत बड़े भूभाग को घेरता है, पूरी पृथ्वी तो घेर ली इसमें। ये सिक्योर होता है, अनइंटरप्टेड होता है और इसकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ ये काम करता है। इसमें भौगोलिक स्थिति की कोई सीमा नहीं होती, मतलब ये हर एरिया को आपको दिखा देगा, चाहे वो माउंटेन हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, टावर हो या कोई भी चीज हो, कोई रुकावट नहीं होगी, ये सारा डेटा आपको दिखा देगा। पृथ्वी के स्टेशन जो सिग्नल भेजते हैं या ग्रहण करते हैं फिक्स्ड अथवा
मोबाइल हो सकती है, ठीक है, आप इजीली उसको फिक्स भी कर सकते हो और वो आपके चलते फिरते भी रहते हैं, मतलब डायनामिक भी होते हो स्टैटिक भी होते हो। आगे आ जाओ, ये इसकी क्या डिसएडवांटेज है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से धीमा होता है, थोड़ी स्पीड इसकी स्लो हो जाती है क्योंकि हवा के साथ नहीं चल रहा, ये सिग्नल ले रहा है। इसके लिए लीगल परमिशन की आवश्यकता होती है, ऐसे थोड़ी ना सैटेलाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी कैसे भी ले ले, ठीक है। इंस्टॉलेशन अत्यंत कॉम्प्लेक्स होता है, इसका इंस्टॉलेशन करना, बनाना, सिग्नल को कैच करना, थोड़ा सा इसमें खर्चा भी आ जाता है। सिग्नल जो स्टेशन पर भेजे जाते हैं उन्हें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के द्वारा छेड़ा जा सकता है, मतलब जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं अगर कोई हैक करना चाहे तो उसे हैक करके उसमें गलत चीजें कर सकता है। हालांकि अपने पास अब इतना सिस्टम, अपने पास इतना ज्यादा चीजें हो गई है भारत के पास कि अगर कोई भी कुछ भी छेड़छाड़ करता हुआ पाया गया तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है, ठीक है जी। चलो तो ये तो हो गई आपकी सारी की सारी, अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, तो ट्रांसमिशन मीडिया किसे कहा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया। दो प्रकार के होते हैं आपके ट्रांसमिशन मीडिया, तो खैर हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा, अब ये कम्युनिकेशन संचार के माध्यम थे। दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड मीडिया जो तार के साथ चलते हैं जैसे कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया जिसमें आती है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, सैटेलाइट, ये सारी चीजें, क्लियर। तो ये पोर्शन भी हमारा हो चुका है, अब चलते हैं हम आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि अभी आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ए टू जेड, ठीक है। आज नेटवर्क डिवाइस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्क बनाने वाले, नेटवर्क बनाने वाले उपकरण, नेटवर्क बनाने वाले उपकरण या जिसको हम नेटवर्क या नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जानते हैं। हर वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके नेटवर्क बनाया जा रहा है। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चा, एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोगों की सारी बातें लूंगी और आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। जो रीजनिंग की क्लास पूछ रहे हैं वो जल्दी ही शुरू हो जाएगी, कल से ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। कॉपी पेस्ट ना कर ध्यान दो सामने। हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, हर वो डिवाइस या हर वो आपका उपकरण जिसका इस्तेमाल करके नेटवर्क बनाया जा रहा है वो नेटवर्किंग डिवाइस कहलाता है। नेटवर्किंग डिवाइस कितने होते हैं, तो ये बहुत सारे, कौन कौन से, तो यहां पर आप देख सकते हो। अब हम इनकी बात करें क्योंकि इन पर क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस कौन से होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें यहां पर देख लेते हैं। पहला होता है आपका रिपीटर, ये भी नेटवर्किंग डिवाइस है। हब नेटवर्किंग डिवाइस है, गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस है, स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है, ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस है और मॉडम नेटवर्किंग डिवाइस। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी देखेंगे यहाँ पे फटाफट से हम लोग। नेटवर्किंग डिवाइस किसे कहा जाता है, हर वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल आप नेटवर्क बनाने के लिए कर रहे हो, तो ये सारी नेटवर्किंग डिवाइस है, चाहे वो रिपीटर हो, हब हो, गेटवे हो, स्विच हो, आपका राउटर हो गया, ब्रिज हो गया या मॉडम हो गया, तो ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस कहलाते हैं। अब एक एक करके हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नेटवर्किंग डिवाइस रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो याद है रिपीटर के बारे में हमने पढ़ा था वो यही था, ठीक है। रिपीटर की मैं बात करती हूँ तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। नेटवर्किंग डिवाइस हार्डवेयर होते हैं क्योंकि आप इन्हें छू सकते हो, टचेबल होते हो। तो रिपीटर ये एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम डेटा को रिसीव करने का होता है और उच्च स्तर में बदलकर आगे भेजने का होता है। तो ये काम क्या करता है, इसका काम होता है, रिपीटर का काम होता है, ये डेटा को रिसीव करेगा या डेटा के सिग्नल, ये डेटा के सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को इंक्रीज करके बढ़ाकर आगे भेज देता है। उस सिग्नल को इंक्रीज करके बढ़ाकर आगे भेज देता है। तो अगर आप इस पे जो क्वेश्चन है मैं वो भी बता देती हूं, अगर आप बिना किसी डेटा की स्पीड को घटाए आप कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं
कनेक्शन दूरी बढ़ानी है लेकिन स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, तो इस्तेमाल किया जाता है रिपीटर का। दूरी बढ़ानी है पर स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, रिपीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपीटर रिपीट करता है अपने ही सिग्नल को, कमजोर सिग्नल को भी बढ़ाकर आगे बना देता है। ठीक है, आगे इसको OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI ये लेयर है, इंटरनेट को समझाने के लिए OSI मॉडल बनाया गया था। तो OSI में 7 लेयर होती है टोटल। रिपीटर जो है वो OSI की पहली लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है। रिपीटर OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की पहली लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल को बदल सकता है। ये स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहेगा, रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइस है, सिग्नल को बढ़ाता है। इसमें केवल 2 पोर्ट होते हैं, याद रखना केवल 2 ही पोर्ट होते हैं। रिपीटर का इस्तेमाल होता है सिग्नल को लेना, बढ़ाकर आगे बना देना। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर, OSI लेयर की फिजिकल लेयर पे काम करता है। ध्यान रहेगा रिपीटर, आगे चली आ जाओ। इसके बाद आती है दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस जिसको हम हब के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको डिवाइस दिखाई दे रही है, बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसी डिब्बे को या बॉक्स को हब कहा जाता है। तो ये जो डिवाइस है इसको कहा जाता है हब। ठीक है, इसमें जो ये पोर्ट 6 दिखाई दे रहे हैं, इसी का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के तार को इनसे जोड़ने के लिए। तो इसी पोर्ट में, इसे पोर्ट कहते हैं, ठीक है, जहां से आप कंप्यूटर के तार को इसमें घुसाते हो वो जगह पोर्ट कहलाती है। तो इसमें पोर्ट होते हैं जिससे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाएगा। हब डिवाइस में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, किसी भी पोर्ट से आने वाले डेटा पैकेट को अन्य पोर्ट में भेज देता है। मतलब आराम से आप किसी भी डेटा को उठाकर किसी पोर्ट में भेज सकते हो। ये OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की पहली लेयर, ये भी फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। ये भी OSI की फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। हब को लिखा नहीं इसमें, चलो बताती हूँ। इसका इस्तेमाल भी स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैडम टोपोलॉजी क्या होती है, भाई कुछ ऐसे हम जो पहली बार पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चर को, कंप्यूटर को जोड़ने का जो स्ट्रक्चर होता है, कंप्यूटर को जोड़ने का जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं टोपोलॉजी। किस डिजाइन में कंप्यूटर को जोड़ रहे हो, वही तो टोपोलॉजी है। तो स्टार लग रहा है ना, ये स्टार टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है। हब को डंब टर्मिनल भी कहा जाता है। डंब मतलब होता है बुद्धू। हब को डंब टर्मिनल भी कहा जाता है, मतलब बुद्धू टर्मिनल कहा जाता है, क्योंकि हब के अंदर अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती। हब के अंदर अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती, इसलिए हब को डंब टर्मिनल कहा जाता है। किसी का भी डेटा लेगा, किसी को भी देगा, मेमोरी तो है नहीं इसको। ये 2 प्रकार के होते हैं हब, पैसिव हब होता है और एक्टिव हब होता है। इसमें अंतर क्या हो जाएगा, तो पैसिव हब जो है इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्विच होता है, केबल लगाओगे तब जाकर चलेगा। लेकिन एक्टिव हब में बिजली की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए। एक्टिव हब जो होता है इसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। पैसिव हब केवल डिब्बा होता है, कोई स्विच नहीं होती, इसमें बिजली की जरूरत नहीं। पैसिव हब को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, एक्टिव हब को चलाने की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती। एक्टिव कब होगा, जब इसके अंदर बिजली डालोगे। पैसिव है बेचारा, बिजली नहीं भी रहेगी तो भी चल जाए। ठीक है, ध्यान रखना हब होता है डंब टर्मिनल बुद्धू। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती। आगे चली, फिर आता है आपका गेटवे। गेटवे होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से डेटा अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। मतलब गेटवे का इस्तेमाल होता है इंटरनेट से कोई डेटा अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर लेकर आना है, या अपने सिस्टम से कोई डेटा आपको इंटरनेट के अंदर ले जाना है,
तो सिस्टम में डेटा लाने के लिए या ले जाने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गेटवे ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन पढ़ी रहे, तो गेटवे जो है वो ओएसआई की नेटवर्क लेयर पे इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी इसके अंदर। इसे ऑनलाइन बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, वेबसाइट को ब्राउज करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। आप जो भी काम इंटरनेट का इस्तेमाल करके कर रहे हो वो सब गेटवे के द्वारा होता है। ठीक है, आप ऐसे ही मान सकते हो दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को कौन जोड़ता है? गेटवे जोड़ता है। ठीक है जी, आ गया नेक्स्ट। ये सेम इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी हम पढ़ी चुके हैं। इसके बाद आता है स्विच। गेटवे के बारे में समझे, गेटवे को आप ऐसे समझ सकते हो, गेट हमारे घर में गेट होता है, उसी से इंसान अंदर जाएगा और बाहर आएगा। अब भाई कोई दिल्ली पुलिस की पहले से फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कूद के भी आ सकता है, लॉन्ग जंप हाई जंप कर रहा है। तो नॉर्मली गेट होता है, गेट से अंदर जाते और बाहर आते। तो गेटवे का भी काम होता है जब आप अपने लोकल कंप्यूटर से कोई डेटा इंटरनेट पर भेजते हो या इंटरनेट से कोई डेटा कंप्यूटर में लेकर आते हो, तो गेटवे की परमिशन लेनी पड़ती है। गेटवे से ही डेटा या तो आ पाएगा या तो जा पाएगा। क्लियर है? अब आ गया होगा समझ में। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। फिर हम बात करते हैं स्विच के बारे में। स्विच क्या होता है, क्या क्या इसकी डिटेलिंग हो जाएगी। स्विच एक ऐसी इंटेलिजेंट डिवाइस है, या स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है क्योंकि इसके पास अपनी मेमोरी होती है। जिसके पास बुद्धि है वो तो इंटेलिजेंट है। ठीक है, स्विच क्या होती है, तो स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाती है। इसमें बहुत सारे पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, हब की तरह ही होती है, बस हब बुद्धू है, उसके पास मेमोरी नहीं है। स्विच के पास मेमोरी है, इंटेलिजेंट बन गए बेचारे। आगे स्विच का इस्तेमाल चार लेयर में होता है ओएसआई की। डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क। कौन कौन सी में हो जाएगा? डेटा लिंक लेयर हो गई, फिजिकल लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई। इन सभी में स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। हब में हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स आप लोग पढ़ चुके हो। तो हब के अंदर तो हाफ डुप्लेक्स का इस्तेमाल होता है। हब में पहले डेटा जाएगा, उसके बाद ही आ पाएगा। लेकिन स्विच के अंदर फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल होता है। एक समय में डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हब में हाफ डुप्लेक्स का इस्तेमाल होता है, स्विच में फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल होता है। डेटा लिंक हो गई, फिजिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर पे इस्तेमाल किया जाएगा। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को या डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखिए। इंग्लिश में वही चीज है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। फिर आते हैं हम राउटर की तरफ। तो राउटर सभी ने देखा होगा अपने घर में, जब वाईफाई लगवाया हो तो राउटर दिखाई देता है कुछ इस प्रकार का। तो राउटर दिखाई देगा आपको कुछ इस प्रकार का। राउटर वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है। अगर कहीं लोकल एरिया नेटवर्क का एरिया बड़ा हो जाए तब भी राउटर का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक का मतलब होता है आपके सिस्टम, या आपने अपने घर में केवल एक राउटर लगवाया। ठीक है, अब आपके घर में उस राउटर से इस्तेमाल करने वाले इंटरनेट या नेटवर्क को बहुत सारी चीजें, मोबाइल फोन में भी आप इंटरनेट चलाना चाहते हो, एक ही राउटर है घर में, आप कंप्यूटर भी चलाना चाहते हो, टीवी भी चलाना चाहते हो, लैपटॉप भी चलाना चाहते हो, टैबलेट भी चलाना चाहते हो, तो बहुत सारे काम को, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस को आप इंटरनेट या नेटवर्क से चलाना चाहते हैं तो राउटर के द्वारा इजीली चलाया जा सकता है। क्योंकि राउटर का काम होता है रूट को डिवाइड करना। इसका काम है रूट को डिवाइड करना। ये सभी को रूट दे देता है, रूट डिवीजन कर देता है, नेटवर्किंग दे देता है और सब इजीली चला देते हैं। ठीक है,
आगे राउटर OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो राउटर का इस्तेमाल होता है नेटवर्क लेयर। राउटर का काम होता है सबको नेटवर्क प्रदान करना। राउटर से याद रखना रूट, ये सबको रूट प्रदान करता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है आ जाओ जान लेते हैं। ब्रिज छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, जिससे वे आपस में जुड़कर एक बड़ा नेटवर्क बना देते हैं। ये OSI मॉडल की दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ब्रिज जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अभी मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी, दोनों में अंतर पता चल जाएगा। इसमें डेटा को फ्रेम के रूप में रखा जाता है, डेटा को टुकड़े करे जाते हैं और डेटा को एक फ्रेम के रूप में रखा जाता है। डेटा लिंक भी जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना डिवाइस, वो डेटा को फ्रेम के रूप में ही रखता है। ठीक है, अब आ जाओ। अभी आपने इससे पहले एक और चीज पढ़ी थी गेटवे, और आपने पढ़ा ब्रिज। दोनों का काम एक ही है, छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़कर बड़ा नेटवर्क बना देगा। दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, ब्रिज में और गेटवे में, ये डिफरेंस जरूर याद रखना। ठीक है, ये डिफरेंस जरूर याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। ब्रिज में और गेटवे में क्या अंतर होता है समझो। एक जैसे जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में होमोजीनियस, एक जैसे होमोजीनियस नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हेट्रोजीनियस, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे मैडम, हम तो भूल जाएंगे। पहली बात, भूलोगे क्यों, एग्जाम निकालना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं मिलता। याद करने का तरीका कैसे याद रख सकते हो आप इसे, तो गेटवे, गेट से अलग अलग तरीके के प्राणी अंदर आते हैं, जिनको देखकर आप खुश हो जाते हो वो भी, और जिनको देखकर आप कमरे में छुप जाते हो वो भी। तो गेट से आएंगे अलग अलग लोग, याद रखना अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने वाले। ब्रिज से आएंगे एक जैसे लोग, जिनको एक जगह से दूसरी जगह आपके क्रॉस कर दे। एक ही ब्रिज है, कहां से कहां तक का बना दें, एक ब्रिज ले लो जो आपको कनेक्ट करता है दो मार्केट से, ए वाली से बी वाली मार्केट। तो एक जैसे लोग जिनको बी वाली मार्केट के अंदर जाना है वो ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। एक जैसे लोग ब्रिज में आ जाएंगे। गेट से हर प्रकार के प्राणी आते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो भी, और जिनको देखकर आप भाग जाते हो वो भी। तो गेट हो जाएगा अलग अलग के लिए। ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये भी हो गया हमारा ब्रिज के बारे में आप जानेंगे। अब आते हैं लास्ट इसके नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर, फिर OSI स्टार्ट हो जाएगी आपकी OSI लेयर। इसके बाद आता है आपका एक द लास्ट मॉडम नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर। तो पहली बात तो मॉडम की फुल फॉर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडम आपको दिखाई देता है कुछ इस तरीके का, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहा है, इसी को मॉडम कहा जाता है। मॉडम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉडम का नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर के नाम से मॉडम को जाना जाता है। इसका काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना। तो मॉडम का काम क्या होगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। एनालॉग सिग्नल जो वायर पे जा रहा है उसे हमारे सिस्टम वाले डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। ये मॉडम की दूसरी
लेयर पे काम करता है जिसे हम डेटा लिंक लेयर कहते हैं। तो मॉडम जो होता है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करने वाली नेटवर्किंग डिवाइस। क्लियर? ये हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसमें डेटा को सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। तो डेटा को सिग्नल के रूप में भेजने वाला मॉडम ही हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करना कहलाता है मॉड्यूलेशन। जब आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करोगे तो ये कहलाता है मॉड्यूलेशन, और जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज किया जाता है तो ये कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, आगे मॉडम की स्पीड को बीपीएस में मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडम की स्पीड को बिट पर सेकंड बीपीएस में मेजर किया जाता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस आईएसपी हर वो कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है, जैसे एयरटेल हो गई, जियो हो गई, बीएसएनएल हो गई, हर वो कंपनी। यहां पर आ गया आपका केबल, ये रहा मॉडम। तो मॉडम ने सिग्नल दिया ट्रांसफर करके राउटर को, और राउटर से आप अपना कंप्यूटर चला, या मॉडम ने डायरेक्ट आपका तार लगा दिया सिस्टम में, डायरेक्ट उसने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दी चीज। तो भाई आप जो वायर होती है, जो टेलीफोन लाइन होती है, जो वायर होती है जहां से कनेक्शन लेते हैं, उसमें एनालॉग सिग्नल होता है और हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है। तो सिग्नल को चेंज करने के लिए मॉडम का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल। मॉडम को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है और मॉडम को आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस, ठीक है, मॉडम को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है, मॉडम को आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस होती है। क्लियर है? बस यही थी आपकी चीज। तो समझ में आई सारी चीजें, कुछ भूले तो नहीं? तो ये हमारी है सातों की सातों कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस, ध्यान रहेंगी, भूलोगे नहीं, रात में कोई भी उठा के पूछ ले आराम से बता सकते हो। तो हमने पढ़ा नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, रिपीटर का काम क्या होता है। रिपीटर कम सिग्नल वाली या कम बोल सकते हो स्पीड के सिग्नल को लेता है और ज्यादा बढ़ाकर आगे भेज देता है। रिपीटर फिजिकल लेयर का इस्तेमाल करता है, ओएसएन का। हब किसे कहते हैं, तो ये डम्ब टर्मिनल होता है, बुद्धू होता है, इसके पास मेमोरी नहीं होती। स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है हब का, और ये पैसिव होता है और एक्टिव होता है। पैसिव हब में बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, एक्टिव हब में बिजली की जरूरत पड़ती है। गेटवे किसे कहते हैं, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने वाला गेटवे कहलाता है। जब आप किसी डेटा को डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर लो, तो गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा। स्विच किसे कहते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। इंटेलिजेंट डिवाइस मतलब बुद्धि वाला डिवाइस होता है, इसके पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, ठीक है, और ये बढ़िया तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राउटर किसे कहते हैं, तो राउटर इंटरनेट की रूट को डिवाइड करता है। राउटर का काम होता है ज्यादा ट्रैफिक को संभालना। एक साथ अगर बहुत सारे लोग एक ही नेटवर्क पर काम कर रहे हैं तो उनके ट्रैफिक को संभालने के लिए राउटर का इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क लेयर पे काम करता है ये ओएसआई के। ब्रिज का काम होता है एक जैसे नेटवर्क को आपस में जोड़ना, सिमिलर होमोजीनियस नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए मॉडम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने प्रॉपर तरीके से सातों की सातों नेटवर्किंग डिवाइस को भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आगे चली, इसके बाद हम लोग आने वाले हैं किस पर, तो हम लोग आने वाले हैं ओएसआई की लिंक। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे ओएसआई की लिंक, ये भी जो आपका नेटवर्किंग का पार्ट हो जाती है। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है, तो ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई एक मॉडल बनाया गया था ताकि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है उसको दिखाया जा सके, समझाया जा सके। क्लियर? अगर मैं ओएसआई की बात करती हूं तो इसको आईएसओ के द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ के द्वारा 1980
1983 में बनाया गया। और 1984 में इसे क्या हो गया, लॉन्च कर दिया गया, मतलब बता दिया गया कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, सही डेट है, भेज दो। तो ISO के द्वारा इसको बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था पहले ही तो जान ले भैया, लेयर लेयर हमें बहुत चीजें पता है, बट ये है क्या, ओरिजिन क्या। तो OSI में टोटल 7 लेयर होते हैं। इंटरनेट किस प्रकार से काम करता है उसको दर्शाने के लिए OSI लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट कैसे काम करता है उसको दर्शाने के लिए OSI लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। OSI लेयर कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 7 लेयर होती है OSI। किसी को याद है, कोई बताना चाहता है तो बिल्कुल बता सकता है, मैं आपको इसका पूरा मॉडल बताती हूँ, ठीक है। OSI से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखिए। OSI में टोटल कितनी लेयर होती हैं, तो OSI में होती है टोटल 7 लेयर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक तरफ मैं लिख रही हूं क्लाइंट, क्लाइंट मतलब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, सेवा लेने वाला। दूसरा हो जाएगा सर्वर, सेवा देने वाला। क्लाइंट की नजरों से देखोगे तो OSI लेयर को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, सर्वर की नजर से देखोगे तो OSI लेयर को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, और यही पढ़ा जाता है नेटवर्किंग के। कैसे याद करते हैं OSI लेयर को, OSI लेयर को याद करने का तरीका क्या है, पंडित जी ने स्पा करवाया। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, ये केवल ट्रिक है आपको याद करवाने की, ठीक है। तो दिल से ना लगाए भाई, PDNT पंडित जी ने स्पा करवाया, आप इसको याद रख सकते हो इस चीज से, ठीक है। PDNT SPA, क्लियर। अब यहां पर इसको लिख लो, PDNT पंडित, और यहां पर लिख लीजिएगा आप स्पा। पी से हो जाती है फिजिकल लेयर, डी से हो जाती है, और ये क्रम के साथ याद करनी बहुत जरूरी है, क्रम भूल गए सब कुछ भूल गए मतलब, ठीक है। डाटा लिंक लेयर, एन से हो जाती है नेटवर्क लेयर, टी से हो जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से हो जाती है सेशन लेयर, पी से हो जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से हो जाती है एप्लीकेशन। यहां से 1, 2, 3 नीचे से स्टार्ट होगी, 4, 5, 6 यहां पर भी सेम वही रहने वाली है, PDNT SPA, ठीक है। पहली आ जाएगी आपकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन। बस क्लाइंट के अंदर जो क्लाइंट देख रहा है उसकी नजर से ये इस तरीके से स्टार्ट होती है ऊपर से, 1, 2, 3, ठीक है। तो हमें जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो हमेशा इस नजर से पूछा जाएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हम एज अ सर्वर ही बताएंगे, याद रखें, ठीक है। तो ये होती है टोटल 7 लेयर, देयर आर 7 लेयर इन OSI। कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहां पर समझा दिया। चलो तो अब समझते हैं इसके अंदर का और भी पार्ट, ठीक है। तो ये होती है आपकी 7 लेयर, क्लाइंट और सर्वर दोनों की नजर से देखिए। जो शुरू की 3 लेयर होती है, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, इसे कहा जाता है हार्डवेयर ऑफ OSI, क्योंकि इसके अंदर जो भी डिवाइस इस्तेमाल हो रहे हैं वो हार्डवेयर होते हैं, आप उनको छू सकते हो, रिपीटर, राउटर, मॉडम, सब तो हार्डवेयर है। जो ऊपर की 3 है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर ऑफ OSI, इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर ऑफ OSI, क्योंकि इनके अंदर केवल एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है।
जो बीच में बच गया ट्रांसपोर्ट, इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ ओएसआई, क्योंकि इसमें डेटा का फ्लो होता है और जहां फ्लो होता है वो काम करता है दिल, तो ये डेटा फ्लो करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता है, तो ये सारा काम होता है इसमें ट्रांसपोर्ट में, जिसको हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है। ये तो मेजर मेजर चीज है जो आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से दिखाई दे रही है, क्लियर है। सॉफ्टवेयर ऑफ ओएसआई ऊपर वाली हो गई, नीचे वाली हो गई हार्डवेयर ऑफ ओएसआई, और दिल हो गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ इसके अंदर की और भी चीजों को देख लेते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें दे रखी है, हालांकि अलग से भी दे रखी है, तो परेशान मत होना, सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आई फिजिकल लेयर, डेटा को फिजिकल वायर से या केबल का इस्तेमाल करके चेंज करती है, डेटा को बिट में चेंज करती है 0110। फिजिकल लेयर का काम होता है डेटा को सिग्नल में चेंज करना, 01 में चेंज करना। फिजिकल लेयर में हब, निक, केबल और रिपीटर जैसी नेटवर्किंग डिवाइस इसी में इस्तेमाल की जाती है। हमने पढ़ लिया, बस रिवाइज कर। डेटा लिंक लेयर, ये मैक एड्रेस को रिसीव करती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आप जो भी अदर पेरिफेरल डिवाइस जोड़ रहे हैं उसको जोड़ने का काम करती है। डेटा को फ्रेम के रूप में तोड़ने का काम करती है, और डेटा लिंक में स्विच और ब्रिज, ये डेटा लिंक के ही, और मॉडम, मॉडम ये किसके अंदर आते हैं, तो डेटा लिंक के अंदर। नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस को देखता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को देखता है। राउटर हो गया, स्विच हो गया, तो ये भी नेटवर्क लेयर के अंदर ही काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एरर को हैंडल करता है, कोई गड़बड़ हो गई हो उसको देखने का काम होता है। प्रोटोकॉल को ट्रांसपोर्ट करता है और डेटा के फ्लो को चेक करता है, इसमें टीसीपी और यूडीपी जैसी प्रोटोकॉल आती है। सेशन लेयर की मैं बात करती हूं, तो ये कनेक्शन देता है दो होस्ट के बीच में, कनेक्ट करना, दो सिस्टम को बीच में जोड़ना, टाइम देखना कितने समय में डेटा जा रहा है, डेटा का प्रवाह कितने समय में हो रहा है, सेशन समय को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लेयर हो जाएगा इस तरीके से। इसमें नेट बायोस और पीपी टीवी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर में सबसे ज्यादा जरूरी ये वाली लाइन कई बार पूछी गई है, डेटा को एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना, डेटा को किसी भाषा में बदलना ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना पढ़ पाए, प्रेजेंटेशन लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। आप डेटा को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो कोई दूसरा ना पढ़ ले, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इसी के अंदर आता है। तो जेपीजी फाइल हो गई, जीआईएफ हो गई, एचटीटीपी हो गई, सिक्योर सॉकेट लेयर हो गई, तो ये सारी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आती है। एप्लीकेशन लेयर, ये सीधा यूजर से जुड़ी हुई होती है, यूजर मतलब हम लोग, तो हम लोग केवल एप्लीकेशन तो खोलकर देखते हैं क्या है, हमें थोड़ी ना पता कि अंदर क्या क्या है, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क क्या चल रहा है, हमें तो बस ये दिखा, अच्छा फोटो खींचनी है, कैमरे वाला एप्लीकेशन खोल दो, किचक, नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप वाला एप्लीकेशन खोल दो, किचक, मतलब जो भी आपको एप्लीकेशन ओपन करने से मतलब है, तो एप्लीकेशन यूजर के लिए होती है। सर्विस दैट आर यूज्ड विद एंड यूजर एप्लीकेशन, जो अंत में उपभोक्ता उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है, एसएमटीपी हो गया, और एचटीटीपी इसके अंदर भी आता है भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें भी आता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये सब चीजें इसमें, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपकी क्या हो जाती है, लेयर हो जाती है, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और चीजें मैं आपको डिटेल्ड में भी बता रही हूँ यहाँ पर वन लाइनर के तौर पर, ठीक है, समझना इसको। तो सबसे पहली लेयर हमारी होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम होता है बिट को सिग्नल में कन्वर्ट करना, हिंदी में भी लिख देती हूं मैं यहां पर, तो बिट को सिग्नल में बदलने के लिए, बिट को सिग्नल में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल लेयर का, क्लियर है। प्रोवाइड सिंक्रोनस बिट बाय क्लॉक, यूसी में आ गया, आप 0110 को सिग्नल में चेंज कर देते हो, और क्या करता है, इट डिफाइन द वे इन विच डिवाइस आर कनेक्टेड टू द मीडियम, फिजिकल टोपोलॉजी, डिफरेंट टेक्निक ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें अलग अलग प्रकार की मल्टीप्लेक्सिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है एक ही लाइन में एक से ज्यादा काम को करवाना, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम को डिवाइड करके, वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तीन प्रकार।
इसके बाद क्या करता है, तो फिजिकल लेयर में रिपीटर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ, रिपीटर हो गया, हब हो गया, केबल हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल लेयर में। ध्यान रहेगा, बिट को सिग्नल में चेंज करता है, मल्टीप्लेक्सिंग इसके अंदर होती है, रिपीटर हब केबल इसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे आते हैं दूसरी लेयर पर, तो दूसरी होती है अपनी डेटा लिंक लेयर, सेकेंड वन इज डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में क्या हो जाएगा, फ्रेम होता है, जो बिट होती है 0110, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और ये केवल 01 ही समझती है, तो बिट को फ्रेम में चेंज करना ये काम होता है किसका, डेटा लिंक लेयर। आगे फिजिकल एड्रेसिंग, ये सेंडर और रिसीवर को फ्रेम देती है, एड्रेस देती है, हालांकि एड्रेसिंग इज नॉट द पार्ट, इसको भी थोड़ा छोड़ो। ठीक है, एरर कंट्रोल करती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, डेटा डैमेज ना हो जाए, डेटा को नुकसान ना पहुंचे, डेटा को नुकसान ना हो, क्या करती है ये, एरर कंट्रोल करती है, कोई गड़बड़ हो जाए उसको नियंत्रण में रखती है ताकि डेटा लॉस ना हो जाए। एक्सेस कंट्रोल, डिटरमाइन विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक गिवन टाइम, कुछ समय के लिए ही एक्सेस प्रदान किया जाता है, मतलब डेटा में कोई चेंज है या डेटा को भेजना है, आपको कुछ समय का ही टाइम लिमिट दिया जाएगा। तो डेटा लिंक लेयर में ये सब हो जाएगा, एरर को कंट्रोल करती है, बिट को फ्रेम में चेंज करती है, कुछ समय के लिए आपको चीजें करने का टाइम देती है, लिमिटेड समय होता है, एड्रेसिंग देती है। ठीक है, एड्रेसिंग देती है, ये भी आप लिख सकते हैं। डेटा लिंक लेयर में किस किस का इस्तेमाल करते हैं, एज अ नेटवर्किंग डिवाइस, तो डेटा लिंक लेयर में मॉडम का इस्तेमाल किया जाता है, स्विच का भी इस्तेमाल, स्विच का तो खैर सभी में इस्तेमाल हो रहा था, स्विच का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो डेटा लिंक लेयर में मॉडम का इस्तेमाल होता है, स्विच का होता है, ब्रिज का होता है, ये आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे आ जाओ नेक्स्ट, फिर आती है नेटवर्किंग लेयर। इंग्लिश देखकर घबरा मत जाना, अभी तक आप सारी चीजें हिंदी में ही पढ़ रहे थे, तो बायलैंग्वेल है, अगर इंग्लिश है तो मैं हिंदी बताऊंगी और हिंदी होगी तो मैं इंग्लिश बताऊंगी, तो बायलैंग्वेल चलेंगी चीजें। क्लियर, फिर आती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्किंग लेयर। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस इसको कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को देखने वाली, आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल को देखने वाली नेटवर्क लेयर होती है। राउटिंग का काम होता है, जाहिर सी बात है जब राउटर का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा तो जो राउटर का काम होता है वही आपके नेटवर्किंग लेयर में काम होगा, रूट डिवाइड कर। कंजेशन कंट्रोल होता है, कंजेशन मतलब क्या होता है, कंजेशन मतलब होता है जब जरूरत से ज्यादा डेटा स्टोर होने लगे उसे कंट्रोल करना कंजेशन कंट्रोल कहते, उसे कंट्रोल करना कंजेशन कंट्रोल कहते। जैसे अगर खा दो, खा जाओ आप खाना, नहीं शादी में जाते हैं तो भूख है, दो रोटी की खा लेते हैं, पांच छह, अरे शादी में आए हैं, नहीं अच्छा गोलगप्पे भी थे शादी में, रुक जा भी खाने आता हूं, है ना, तो कंजेशन हो जाते, नहीं बहुत सारी चीजें ओवर आपने कर लिया, मेमोरी कम थी, ज्यादा डेटा भर दिया, कंजेशन कंट्रोल। क्या करेगा, बिलिंग अकाउंटिंग छोड़ो, एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट एरर फ्री डिलीवरी फॉर्म पैकेट। देखो पैकेट का काम इसलिए आया क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्या कर रहा है, नेटवर्क भेज रहा है, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा, नेटवर्क के थ्रू फाइल को ट्रांसफर कर रहा है, तो डेटा को पैकेट के रूप में दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क लेयर। बस आईपी एड्रेस हो जाएगा, राउटर हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा स्टोर करते हैं डेटा को, उसे कंजेशन कंट्रोल कहते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करना कंजेशन कंट्रोल कहलाता है। इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, पैकेट के रूप में इसमें डेटा को दिखाया जाता है, क्लियर है। आगे फिर आती है इसके बाद दिल, हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, तो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग इसी का पार्ट है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है बहुत सारे काम को एक ही सिग्नल
बहुत सारे काम को मिलाकर एक ही काम बना देना मल्टीप्लेक्सिंग है, और एक ही काम से बहुत सारे काम निकाल देना डी मल्टीप्लेक्सिंग है, उल्टा हो। तो ये इसी के अंदर आती है। ठीक है, आगे एरर डिटेक्शन बिट एरर। अगर प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, उसको देखने का काम इसी का होता है। लॉस डिटेक्शन, लॉस पैकेट ड्यू टू बफर ओवरफ्लो एंड इंटरमीडिएट सिस्टम। ठीक है, मतलब लॉस डिटेक्शन डेटा के खोने के डर को खत्म करना। तो डेटा खो ना जाए, उसके खोने का रिस्क कम करने का काम भी इसी का होता है। डर क्या कम करेंगे, रिस्क को कम करने का काम इसी का होता है। एरर लॉस रिकवरी, अगर डेटा खराब हो जाता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, वापस से ढूंढ सकते हो। फ्लो कंट्रोल, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर कहा जाता है। कंजेशन कंट्रोल तो खैर इससे ज्यादा वो करता है, नेटवर्क करता है, तो बस इतना ध्यान रखना। प्रोग्राम में त्रुटि को देखेगा, रिस्क को कम कर देगा। मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाती है, और फ्लो होता है डेटा का, तो डेटा फ्लो तो बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिल कहा जाता है ओएसआई लेयर का, डेटा के फ्लो को बना के रखने का काम। आगे आ जाओ, अब तो केवल तीन बची छोटी छोटी सी, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद आती है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग मेंटेन द टर्मिनेटिंग द सेशन। मतलब आपका काम समय सीमा के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो टाइम दे रखा है उस लिमिट में आपने काम किया नहीं किया, कितना समय लगा, कितना टाइम लगा उस डेटा को आपके सिस्टम में ओपन होने में, उस टाइम को, उस सेशन को देखने का काम इसी का है। सेशन आईडी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ सेशन इंटरेक्शन। आप अगर किसी भी प्रकार के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास उसकी सेशन आईडी होनी चाहिए, कितना टाइम आपको काम करना है, कितना टाइम आपने काम किया उसका लिखा जोखा। एग्जाम्पल इसमें हो जाते हैं आरसीपी, एसक्यूएल और ईएसपी। सेशन लेयर के एग्जाम्पल रिमोट प्रोसीजरल कॉल, वो कॉल जो रिमोट प्रोसीजर होती है टाइम रिलेटेड या टाइम अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए, क्वेरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस भाषा। एप्लेट टॉक सेशन प्रोटोकॉल, एएसपी का इस्तेमाल करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए। तो ये सारी आपकी सेशन लेयर के अंतर्गत आती है। क्लियर, आगे आ जाओ। इसके बाद आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड लास्ट प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन से ही आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रेजेंट करना, किसी चीज को दिखाना। अब किसी चीज को आप कैसे दिखाओगे, डायरेक्ट दिखा दोगे या छुपा कर दिखाओगे? तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये बहुत बार पूछा गया है, और अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों किसका पार्ट होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट होता है। आप डेटा को किस तरीके से दिखा रहे हो, सीधा सीधा या छुपा कर, ये इसी का पार्ट होता है। क्लियर, तो प्रेजेंटेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। डेटा को ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल देती है। एग्जाम्पल के तौर पे ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये दोनों तो हो गए कीबोर्ड के लिए जो नंबर बनाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, JPEG पिक्चर की आपकी वो हो गई एक्सटेंशन हो गई, नहीं पिक्चर के फाइल फॉर्मेट हो, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इस्तेमाल होती है वीडियो के लिए, BMP बिट मैप इमेज इस्तेमाल होती है पेंट के लिए, MIDI की फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, वेव ऑडियो फाइल होती है, MP3 ऑडियो फाइल होती है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में, आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हो, चित्र के रूप में, गाने के रूप में, वीडियो के रूप में, अक्षरों के रूप में, तो जिस भी रूप में बात करेंगे बात आ जाएगी प्रेजेंटेशन की। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आती है, एनकोडिंग आती है, डिकोडिंग आती है। आप किसी शब्द को किसी में चेंज कर सकते हो ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता ना चले आपने क्या लिखा है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन लेयर में। इन शॉर्ट आपको फाइल किस तरीके की दिखाई दे रही है, कैसी प्रेजेंट हो रही है,
ये सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। लास्ट आती है आपके इसमें एप्लीकेशन लेयर, लास्ट एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्स। तो ये डायरेक्ट यूजर से जुड़ी हुई होती है, यूजर से सीधा जुड़ी हुई लेयर या यूजर से डायरेक्ट कनेक्ट लेयर को, यूजर से डायरेक्ट कनेक्ट लेयर को कहा जाता है क्या? एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। हम लोग एप्लीकेशन तो यूज करते हैं ना। चलो, एप्लीकेशन लेयर कंटेन मैनेजमेंट फंक्शन सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन को दिखाने वाली लेयर, एप्लीकेशन को सिस्टम में चलाने वाली लेयर, एप्लीकेशन को सिस्टम में चलाने वाली लेयर यही हो जाती है। ठीक है, चलाने वाली लेयर कौन सी कहलाएगी? तो एप्लीकेशन लेयर कहलाएगी। हमारे मोबाइल फोन में जितनी भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लेयर पर ही चल रही है। क्लियर है? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फाइल को ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल को ट्रांसफर करना, किसी अकाउंट में लॉगिन कर लेना। तो जो भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर सकते। क्लियर? तो यहां पर हो गई हमारी टोटल की टोटल, इसकी बात कर ली हमने लेयर की। तो ये मान के चलो नेटवर्किंग का हमारा 90% कवर हो चुका है, केवल 10% बचा है जिसमें हम टोपोलॉजी को कवर करने। ठीक है, तो नेटवर्किंग में हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है टोपोलॉजी, इसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, एक मिनट बस। चलो, समझ में आया अभी जो हमने पढ़ा? हमने पढ़ा ओएसआई लेयर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उनको भी देख लिया। क्लियर है? आ जाओ आगे चलते। इसके बाद आते हैं हम टोपोलॉजी पर। टोपोलॉजी किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर को आपस में जोड़कर रखने वाले स्ट्रक्चर को ही टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने व उसमें डेटा संचार, डेटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्योमेट्रिकल ज्यामिति व्यवस्था को कहा जाता है। आपने कंप्यूटर को किस तरह कनेक्ट किया है आपस में, कंप्यूटर को जोड़ने का आकृति स्ट्रक्चर ही टोपोलॉजी कहलाती है। द मेथड कनेक्टिंग ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा फ्लो, इट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में कैसे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा हुआ है, इसे ही टोपोलॉजी कहा जाता है। आ जाओ अब एक एक करके टोपोलॉजी देखो। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? तो टोपोलॉजी होती है मेनली 5 प्रकार की। ठीक है, तो टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? टोपोलॉजी यहां पर दे रखी है। रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, और ट्री टोपोलॉजी होती है। तो ये सारी आपके टोपोलॉजी के प्रकार दे रखे हैं। एक एक करके इन सब की भी हम बात करेंगे, क्या क्या चीजें होती है, किसमें होती है, उन सबको भी देखें। चलिए आगे चलिए। सबसे पहले आती है आपकी टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी, जैसा आपको दिखाई दे। बस टोपोलॉजी का मतलब होता है एक ही तार का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? सिंगल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल का इस्तेमाल किया जाता है, या आप ये लिख सकते हो एक ही केबल का इस्तेमाल करके, एक ही केबल का इस्तेमाल करके सिस्टम को आपस में जोड़ना, क्या कहलाता है? बस टोपोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल होगी, ये एक ही केबल है, सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। इन सिस्टम को जब आपस में जोड़ते हैं तो इनको नोड कहते हैं। बस टोपोलॉजी में टर्मिनल होते हैं,
कहां से काम शुरू हुआ उसे कहते हम स्टार्ट वाला टर्मिनल, कहां पे काम खत्म हुआ उसे हम कहते हैं स्टॉप वाला टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है जो आपको दिखाए कहां से काम शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, बस टोपोलॉजी किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो एक ही बिल्डिंग में आप कह सकते हो दो फ्लोर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, बिल्डिंग आपने देखी होंगी बहुत सारी है, बिल्डिंग एक ही है लेकिन उसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं, 18 मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, पांचवा मंजिल। तो अगर आप एक ही बिल्डिंग में दो फ्लोर के बीच में कोई कनेक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है, सेम कनेक्शन देना चाहते हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वो किसी का भी कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, व्हाटएवर, तो अगर आप, यहां तो खैर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, बिजली कनेक्शन केवल मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर आप नेटवर्किंग देना चाहते हो कि भाई हमारी बिल्डिंग का अपना खुद का नेटवर्क है, आप इसी का इस्तेमाल करो, ठीक है, तो वहां पर हम बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से कनेक्शन देते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, चाहे राउटर हो गया, रिपीटर हो गया, गेटवे हो गया, कुछ भी हो, ठीक है। इसके अंदर आप और क्या लिख सकते हो? तो बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट भी कहा जाता है, इसे मल्टी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इसे मल्टी पॉइंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कनेक्शन दो जगह से होता है, आगे से भी और पीछे से भी, तो इसमें मल्टी पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे मल्टी पॉइंट भी कहा जाए। तो बस टोपोलॉजी में ध्यान है सारी चीजें। आगे चले और चीजों को देखते हुए चलते हैं, क्या क्या आने वाला है नेक्स्ट। इसके बाद आती है रिंग टोपोलॉजी। जब डिवाइस को सिस्टम को एक गोल आकार में कनेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। कैसे ध्यान रखोगे? ठीक है, इसमें सिस्टम सर्कल में कनेक्ट होते हैं, इसमें डेटा की यूनिट टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जब सारे सिस्टम आपस में जुड़े हो। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो इसमें सभी डिवाइस आपस में लूप मतलब पहले वाला दूसरे से कनेक्ट है, दूसरे वाला तीसरे से, लूप में जुड़े हुए होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए, जुड़े हुए होते हैं, इसे खैर ज्यादा आता नहीं। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन को क्या कहा जाता है? रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ऐसे कनेक्शन को कहते हैं रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मैन और वैन में किया जाता है, इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता। क्लियर? तो रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी, सर्किल मोशन में है, टोकन का इस्तेमाल किया जाता है, ये जरूर याद रखना, टोकन शब्द। ठीक है, सिस्टम लूप में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है सभी सिस्टम, इसको लैन और वैन में इस्तेमाल किया जाता है, ये होती है रिंग टोपोलॉजी, जब सिस्टम को एक सर्कुलर आकार में बदला जाएगा। अब आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी में।
स्टार टोपोलॉजी किसे कहा जाता है? जब सभी डिवाइस को बीच वाले हब से जोड़कर एक स्टार वाली आकृति बनती है। तो इसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा? हब हो जाएगा। हब डम टर्मिनल। तो ये सारी चीजें आपको पता है, बस एक बार रिमाइंड यहां पर करवा देती हूँ मैं फटाफट से। हब क्या होता है? तो हब एक डम्ब टर्मिनल होता है, बुद्धू होता है। हब के पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसको डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। हब दो प्रकार के होते हैं, पैसिव होता है और एक्टिव होता है। एक्टिव तभी होगा जब इसको बिजली चाहिए, एक्टिव हब के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, और पैसिव हब जो होता है वो बिना बिजली के काम बस। और ज्यादा इसमें नहीं पूछा, कब हब ही पूछे, ठीक है। जब सिस्टम कनेक्ट होते हैं बीच वाले से तो वो स्टार टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। आगे चले, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल लिख लो यहां पर उदाहरण के तौर पे हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में, मतलब एजुकेशन पर्पसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जहां आपको सभी की गतिविधियां देखनी है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां सारे कंप्यूटर को आप एक ही में देख सकते हो, वहां पर हम हब का इस्तेमाल करते हैं या स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दो और बचे फिर। इसके बाद आती है आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या आ जाएगा? इसे बाई डायरेक्शनल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। और इसमें सभी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दिख रहा है? प्रत्येक नोड से जुड़ी हुई है, सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसे कहा जाता है मैश टोपोलॉजी। और क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर? क्या क्या चीजें हो जाएंगी? मैश टोपोलॉजी में सबसे कम ट्रैफिक होता है, क्यों? जब आपको एक जगह जाने के 5 रास्ते पता हो तो कम ट्रैफिक मिलेगा ना भाई। एक पे है तो दूसरे में चले जाओ, दूसरे में तो तीसरे में चले जाओ, काम जल्दी हो जाएगा। अगर इस वाले सिस्टम को इस वाले सिस्टम में डेटा भेजना है तो ये यहां से भेज सकता है, ये यहां से भेज सकता है। अब इसके ऊपर है तो बिना ट्रैफिक के यहां पर काम किया जा सकता है। बात हो रही है मैश टोपोलॉजी की। उदाहरण, इसका इस्तेमाल किस किस के लिए या किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है गूगल हब हो गया, वाईफाई हो गया, गूगल होम हो गया, इन सब कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब एक कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो सेम अपने साथ फीचर को ले रखा हो जिनको। आगे आ जाओ, लास्ट आ जाता है आपका इसमें मैश टोपोलॉजी, ठीक है। लास्ट आ जाता है इसमें आपका ट्री टोपोलॉजी। मैश तो वही हमारा ट्री टोपोलॉजी में बस एक ही क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो ट्री टोपोलॉजी को किन दो टोपोलॉजी को मिलाकर बनाया गया?
तो ट्री टोपोलॉजी को बनाया गया था बस के साथ स्टार टोपोलॉजी को मिलाकर ट्री टोपोलॉजी को बनाया। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। बस के साथ ट्री, मतलब बस और स्टार दोनों को मिलाकर ट्री टोपोलॉजी बनाई गई थी। क्लियर है? ये एक किसी बड़े कनेक्शन के लिए, किसी बड़े कनेक्शन के लिए इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सभी डेटा सेक्शन वाइज बटा होता है, जिसको जिसकी जरूरत है। और लास्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत बड़ा एरिया यूनिवर्सिटी में किया जा सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ब्रांचेस में किया जा सकता है, होटल में किया जा सकता है, मतलब बहुत बड़ी जगह जिन जो आपस में कनेक्टेड है वहां पर हम ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मेनली यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो यही कि कौन सी दो टोपोलॉजी को मिलाकर ट्री टोपोलॉजी बनाई गई। तो स्टार के साथ साथ बस को मिलाकर ट्री टोपोलॉजी बनाई गई। तो यहां पर हो जाता है हमारा एक और पोर्शन कंप्लीट। केवल 2% बचता है, ये भी फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि एक क्लास पूरी नेटवर्किंग आपको इस पूरी एक क्लास में मिल जाएगी। जो बच्चे लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक बने हुए थे फटाफट से 10 मिनट में क्वेश्चन भी कर देंगे। मल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं? अभी एक शब्द मैंने बोला था मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे सिग्नल को आपस में मिलाकर केवल एक सिग्नल बनाया जाता है, फिर इस सिग्नल को ट्रांसफर कर देते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो बहुत सारे सिग्नल को मिलाकर जब एक सिग्नल बनाया जाए तो यह कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। और अगर आपसे पूछ ले डी मल्टीप्लेक्सिंग किसे कहते हैं, तो एक सिग्नल से जब बहुत सारे सिग्नल बना दिए जाए तो यह कहलाती है डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ध्यान रखना इस पोर्शन में। फिर मल्टीप्लेक्सिंग मेनली तीन प्रकार की होती है। TDM जिसको कहते हैं हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम को डिवाइड करके सिग्नल भेजा जाता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। FD का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जब फ्रीक्वेंसी के आधार पे डिवाइड करके चीजों को भेजा जाता है। WDM होती है वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जब वेव लेंथ को देखते के साथ वेव लेंथ के जरिए डिवाइड करके इसे आगे भेज। क्लियर? तो ये होती है आपकी मल्टीप्लेक्सिंग जिसमें बहुत सारे सिग्नल को मिलाकर एक सिग्नल बना देती है और आगे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट में कुछ आपका सारांश भी ले लो। ठीक है, सारांश लेना बहुत जरूरी है, जो भी चीजें आपने पढ़ी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना। तो यहां पर देखेंगे सर्वर कहाँ लगाना चाहिए। सर्वर को उस स्थान पर लगाना चाहिए जहां कंप्यूटर की संख्या सबसे ज्यादा होती है। सर्वर आपको वही मिलेगा जहां कंप्यूटर की संख्या सबसे अधिक मिलेगी। ठीक है, सर्वर का काम होता है डेटा को स्टोर करना, जो भी सर्विस मांग रहा है, जो भी एक्सेस मांगता है उसको उस डेटा का एक्सेस। फेसबुक का अपना एक अलग सर्वर है, आप अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो तो वो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड और आपका पूरा डिटेल उस सर्वर के अंदर स्टोर है, तब वो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देखने की अनुमति देता है। डिवाइस का प्रयुक्त कहाँ होना चाहिए, तो सर्वर कहाँ इस्तेमाल होता है, उस भवन में जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं। हब और स्विच को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हर एक बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मॉडम को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां सर्वर होगा वहां मॉडम भी होना चाहिए। रिपीटर उन बिल्डिंग के मध्य बीच की दूरी 70 मीटर से ज्यादा हो, जिस बिल्डिंग के बीच में 70 मीटर से ज्यादा की दूरी हो ताकि सिग्नल को दोबारा से बनाया जा सके, वहां रिपीटर का इस्तेमाल होता है। राउटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ना हो।
बेस्ट केबल कौन सी है? तो ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल, जब दूरी या मीटर में हो, स्पीड में, खर्चे में कमी करनी हो तब इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर स्पीड ज्यादा चाहिए तो कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल को बेस्ट केबल माना जाता है, जब दूरी किलोमीटर में होती है और हाई स्पीड चाहिए तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर केबल। बेस्ट कनेक्शन टेक्निक कौन सी होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में सैटेलाइट सिग्नल, शहर से शहर तक जाने के लिए रेडियो वेव्स, तथा राज्य से राज्य के लिए सैटेलाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सबसे बेहतर होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा नेटवर्किंग का पॉइंट, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट। तो हम लोगों ने नेटवर्किंग को कवर कर लिया आज की क्लास में। आपने जितने बच्चे, कितने बच्चे थे जो सुबह 8 बजे से जुड़े हुए थे, मैंने बीच में टाइम ही नहीं देखा था क्योंकि मेरा था पूरा कंप्लीट कर। तो जिन बच्चों ने पूरा पढ़ा है, अब आ जाती है आपके टेस्ट की बारी। फटाफट से जितने क्वेश्चन होते हैं हमारे 10-15 मिनट में उतने हम कर लेते हैं, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। शुरू किया जाए, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ही रहा, फटाफट से पढ़ो और करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं ज्यादा तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ 15 से 20 सेकेंड का समय दे दूंगी। करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, पढ़ के बताओ। इंटरनेट दुनिया भर में आपस से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है, इंटरनेट अपने आप में क्या कौन सा प्रकार कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताओ इसका आंसर क्या। तो इंटरनेट से आप क्या समझते हो? इंटरनेट विश्वव्यापी है, ब्रॉडबैंड है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और वो नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वीपीएन का क्या मतलब होता है? तो यहां पर लिख लो, वीपीएन को कहते हैं हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आप लोगों ने कभी गूगल इकॉग्निटो चलाया, टोपी वाले भैया? तो इकॉग्निटो आपकी आईपी एड्रेस को छुपाकर बिना आपके हिस्ट्री या कुकीज को सेव किए आपको इंटरनेट चलाने की सुविधा देता है, वो होता है कॉग्निटो। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकार को लोना हॉल नेटवर्क, लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 करके बताइए आंसर। समय शुरू होता है आपका 15 से 20 सेकेंड है, ज्यादा समय नहीं है। मैम किसी का नाम नहीं लेंगी, देख लेना ये रिकॉर्डेड क्लास है। अच्छा, किसने करी है ये भविष्यवाणी? भाई कोई आपके बीच में इतनी बढ़िया भविष्यवाणी कर रहा है, पूछ लो उसे क्या एग्जाम में आने वाला है, और अगर गलत निकला तो पहुंच जाना सब दिनेश के घर, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास चल रही है बच्चा। 10:46 हो रहा है, और क्या चाहिए बताओ, क्या प्रूफ चाहिए आपको? ये भी दिखा दूं मैं कि कितनी दर से हवाएं चल रही है, यहां पर माइक्रोवेव काम करेंगी या नहीं करेंगी, आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? लॉन्ग हॉल नेटवर्क, लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया गया नेटवर्क कौन सा कहलाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है? पूछ लो सब दिनेश से भाई, और अगर गलत बता दिया इससे कोई क्वेश्चन, सब पहुंच जाना, एड्रेस ले लो पहले, ठीक है? आ जाओ, जब आप पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आपको पता ना चले टाइम का, बार बार समय देखकर पढ़ोगे तो क्या ही पढ़ रहे। हाँ भाई, लंबी दूरी के लिए वाइड एरिया नेटवर्क नहीं था तो काहे कर रहे हो। आज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, कोशिश करो मैं बता दूंगी। इनमें से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा? तो मेटा नेटवर्क मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क, सुपर नेटवर्क मतलब, देखो मेटा नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है? तो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। क्लियर है? नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट, वेरी गुड। फिर भी बहुत बच्चों ने सही कर दिया था भाई, आ जाओ 10 क्वेश्चन तो कर ही ले, है ना? आ जाओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लैन, इनमें से कौन सा लैन का एडवांटेज होगा। मैंने लैन आपको बहुत अच्छे से बताया, कितनी दूरी तक कनेक्ट कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, जितनी चीजें पढ़ी है, अब चलाओ दिमाग में। मैंने आपसे ये भी बोला था कि आपके दिमाग में बहुत शक्ति है, बस आप उसको पहचानते नहीं, ठीक है। जितनी चीजें पढ़ी हुई है उसको चलो। बच्चा भी डेमो चल रहा है, इस वजह से रीजनिंग की क्लास होल्ड पे है, हालांकि मैं रीजनिंग जल्दी ही स्टार्ट करूंगी। जैसे ही ये डेमो खत्म होगी आपकी, रीजनिंग की क्लास एज यूजुअल अपने टाइम से ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो लोकल एरिया नेटवर्क कम दूरी वाला नेटवर्क होता है। कम दूरी में क्या कर सकते हो, शेयरिंग पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब वो डिवाइस जो आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब। सेविंग ऑल डेटा, सारा डेटा सेव कर लोगे लोकल एरिया नेटवर्क में, पिटाई नहीं हो जाएगी, ये कहां पढ़ा हमने। बैकिंग अप डेटा, डेटा का बैकअप कर सकते हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। ऑटोमेटिक प्राइसिंग ऑफ डेटा, क्या डेटा का प्राइसिंग कर सकते हैं, पैसा कर सकते हैं, ये भी नहीं पढ़ा। हम लोकल एरिया नेटवर्क से छोटी जगह के कनेक्शन को बना सकते हैं और छोटी जगह में पेरिफेरल कनेक्शन हो सकता है। पेरिफेरल मतलब होता है हार्ड डिस्क हो गया, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। हर वो उपकरण जो कंप्यूटर में जोड़कर आप एक्स्ट्रा काम कर पा रहे हो, वो पेरिफेरल है, ठीक है। वैन की फुल फॉर्म क्या होगी, ये तो कह, और कि आए हुए क्वेश्चन, कुछ एनटीपीसी के है, कुछ दिल्ली पुलिस के है, कुछ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, मतलब जो टीसीएस एग्जाम लेती है उनके प्रीवियस। टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बस देखती बता दो, वैन की फुल फॉर्म क्या होगी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। तो वैन की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाती है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ध्यान से पढ़ना, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस विच इज कन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल डेटा या स्मॉल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर और अन्य डिवाइस का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत कम जगह तक सीमित होता है उसे क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पी टू पी नेटवर्क या ग्लोबल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा, पता तो है आपको आंसर, बस एक बार देख लो मैं आंसर कर क्या रही हूं। छोटी दूरी वाला नेटवर्क पूछ रहा है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के बस उसी तरीके से ले जाएगा। कम दूरी का नेटवर्क होगा तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा, वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्लोबल नेटवर्क तो इंटरनेट ही होगी। पी टू पी नेटवर्क हमने क्या पढ़ा था, जब दो सिस्टम स्वतंत्र रूप से अपना डेटा ट्रांसफर कर दे, किसी बिचौले की जरूरत ना पड़े, तो वो पी टू पी होता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो ये वैन लैन में ही घुसाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को करो, 10 क्वेश्चन कर लेते ना फटाफट से हम लोग, 10 क्वेश्चन तो कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रकार का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, इनमें से कौन सा नेटवर्क लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, इनमें से कौन सा नेटवर्क लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया भाई, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं जब क्लास एंड हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कौन फैलाएगा नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क फैलाएगा। पैन के बारे में पढ़ा था, केवल 10 मीटर की दूरी देता है, लैंड 2.5 किलोमीटर होती है स्टैंडर्ड, मैन की होती है 50 किलोमीटर तक की, और वैन असीमित, नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो आप अपने सभी कर्मचारी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, ये वाला पोर्शन करो, चलो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को करना, बताइए 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट सॉरी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, तो ये मैं बता देती हूँ आपको। देखो, इंटरनेट होता है जो पूरे विश्व को आपस में जोड़ के रख रहा है, नो डाउट, ये हमने पढ़ लिया था। एक्स्ट्रा नेट होता है, अपनी कंपनी में तो नेटवर्क रहेंगे। सपोज करो एक कंपनी ले लेते हैं, कौन सी लिंक, चलो करवाए शादी, एक कंपनी का नाम ले लिया हमने, चलो करवाए शादी, एक कंपनी है, ठीक है, चलो चलो करवाए शादी, नहीं, या चलो दिलवाए जॉब, शादी बाद में भाई, पहले जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, ये कंपनी ज्यादा अच्छी है ना, शादी नहीं, जॉब चाहिए कंपनी है, इसके पास भी नेटवर्क है, और इस कंपनी की जो थर्ड पार्टी होंगी जो कहीं और से इसको चला रही है, जिसके पास आईडी और पासवर्ड है,
वो भी इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब ऐसा नेटवर्क जो अपने पास भी है और थर्ड पार्टी के पास भी होगा, वो एक्स्ट्रा नेट कहलाएगा। डेलनेट नहीं होता, टेलनेट होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इंटरनेट क्या होगा? केवल एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क है, जैसे लाइब्रेरी के अंदर गए तो नेटवर्क आ गया, बाहर गए तो गायब हो गया। होटल के अंदर गए, नेटवर्क आ गया, बाहर गए गायब हो गया, ये होता है इंटरनेट। पूछा है एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करना है तो केवल एक बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा है, इंट्रानेट कहलाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। बस एक और कर लो, जो बीच वाला छूट गया, चलो कोई बात नहीं, इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, इसको करके बताएंगे आप ऐसा हो तो। आईटी नेटवर्किंग में फिजिकल लेयर में निम्न में से किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? सभी बच्चों को होमवर्क जरूर करके बताना है ऑफलाइन कमेंट। आज का ये क्लास पूरा एक नेटवर्किंग का चैप्टर, आप सभी को कैसा लगा ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा। ठीक है, तो जरूर आंखों से देखो भर के, और इसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मैं आप लोगों को एक बार और रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट है, अपने पास है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगर आप 4 महीने बहुत बढ़िया से तैयारी कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छे नंबर से आप इसको क्रैक कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आ गया है इसका लेखा जोखा, बहुत बढ़िया से एग्जाम आपका दिल्ली पुलिस वाला जो है वो बहुत ही अच्छे से कवर अप हो जाएगा। एग्जाम भी हो जाएगा इसके साथ, क्वेश्चन मतलब फिजिकल भी हो जाएगा और मेजरमेंट सब कुछ हो जाएगा। तो अब आपको ये 4 महीने बहुत तोड़ के मेहनत करनी है, मतलब कहते हैं ना इसको ना रात देखो ना दिन देखो, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो इसके लिए कोर्स एग्जाम को लेकर आया है वो है मंजिल बैच, एक ऐसा बैच है। अगर आप इससे जुड़े, फीस इसकी 999 रुपए है। ठीक है, बहुत ज्यादा फीस नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसमें आपको 999 में, ठीक है, 999 में आपको क्लासेस मिल रही है, वो भी सारी जीके के अंदर। अगर जीके जीएस का पोर्शन 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का है ना, तो आपको हिस्ट्री की अलग क्लास मिलेगी, ज्योग्राफी की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, ठीक है, इतिहास अलग मिलेगा, भूगोल अलग मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग मिलेगा, स्टैटिक जीके अलग मिलेगा, करंट अफेयर अलग मिलेगा, मैथ्स की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है, और आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी। तो प्रॉपर तरीके से आपका मंजिल बैच में चीजें स्टार्ट हो जाएंगी 26 जून से, तो पहले ले लेना, क्योंकि 26 जून के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, तो थोड़ी ज्यादा ही हो जाएगी ना, तो पहले ले लेना 999 है, जिसमें आपको बैच मिल रहा है, आपको एक बुक मिलेगी, बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, जो बुक है वो टॉपिक वाइज है, ठीक है, जिसमें रीजनिंग सारी मिल जाएंगी, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके जीएस है, कंप्यूटर। साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और उस क्वेश्चन का वीडियो भी आप देख सकते हो। ओवरऑल बहुत ही बेस्ट रहेगा, 999 रुपए में फीस है इसकी, 26 जून के बाद बढ़ जाएगी। बैच को परचेज कर लेना, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद अगर आप करते हो तो फिर ओवरलोड हो जाता है ना, फिर आपको फिर यही होता है कि मैडम रिकॉर्डेड क्लास को कैसे पूरा करें, तो आप पहले ही करके रख लो। ठीक है, तो इसको परचेज करने के लिए आप नीचे नंबर दे रखा है उस पर कॉल कर सकते हैं, या एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी परचेज जरूर कर लीजिएगा। 4 महीने है, अगर आपने कभी सोचा ना कि यार मेरा तो एग्जाम ही नहीं निकलता, मैं कितनी मेहनत कर लूं, तो एक जी तोड़कर मेहनत कर लेना इस 4 महीने में और अपना 100% दे देना। ठीक है, अपने आप को ऐसा बना देना कि कायनात बोले कि भैया इसको जॉब चाहिए, जॉब इसकी होनी चाहिए। ठीक है, उस दिन के लिए पढ़ो जब आप टाइप करो आपका नाम आ जाए मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो आज के सेशन को करते हैं बच्चा हम लोग यहीं पर एंड। आशा है आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, आंसर मुझे आप सभी का चाहिए और ये भी चाहिए फीडबैक कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, वो सारी चीजें बताना। आज ही सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने अपने गोल का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।